गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और पढ़ाई पूरे मन लगा के कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी बी क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ जॉब एक्स इज 100 आवर्स। कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था? 100 घंटों में काम हो जाना चाहिए था, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। जॉब हैज बीन कंप्लीटेड बाय उमर 60 आवर्स, अकबर 70 आवर्स एंड एंथनी इन 95 आवर्स। तीनों वर्कर का हमें टाइम टेकन गिवन है। अच्छा जी, द बोनस स्कीम, बोनस सिस्टम एप्लीकेबल टू द जॉब इज एज फॉलोज। अंडरलाइन करो क्या लिखा हुआ है। बोनस सिस्टम एप्लीकेबल टू द जॉब इज एज फॉलोज। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में बोनस कैसे देना है ये स्कीम क्वेश्चन ने खुद से बताई है। जब क्वेश्चन बोनस देने की स्कीम खुद से बताएगा हमें उसे फॉलो करना है। सिंपल सी बात है। हमें मतलब नहीं हॉल से ने क्या कहा, हमें मतलब नहीं रोबन ने क्या कहा, हमें फॉलो करना है क्वेश्चन में दी गई स्कीम को। आइए, लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड। क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड, यानी कि टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड। ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्लैब रेट। क्या लिखा हुआ है? स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब क्या होता है? स्लैब रेट मतलब क्या होता है? मान लो मैंने बोला कि 50,000 तक, मान लो 50,000 तक अगर आप कमाते हो फ्यूचर में, आपको आपके पिताजी 1,000 का इंसेंटिव देंगे। ठीक है। मैंने बोला अगर 50,000 से ऊपर मगर 1,00,000 तक कमाते हो तो मैंने कहा आपके पिताजी आपको 2,000 का इंसेंटिव देंगे। ना ये स्कीम है। मान लो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। कल को सीए बन जाने के बाद आपके पिताजी ने आपको बोला बेटा अगर तेरी इनकम 50,000 या उससे कम है मंथली इनकम तो तुझे हर महीने 1,000 रुपए का मैं इंसेंटिव दूंगा, बोनस दूंगा। लेकिन अगर तेरी इनकम 50,000 से ज्यादा मगर 1,00,000 या उससे कम है तेरे को मैं 2,000 का बेनिफिट दूंगा, 2,000 का इंसेंटिव दूंगा। और उन्होंने बोल दिया ये स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट है। मतलब स्लैब रेट का समझाता हूं, आप ध्यान देना। मान लो आपकी इनकम है 75,000, मान लो आपकी इनकम है एक्चुअल 75,000, अब मुझे बताओ आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। आपके मन में आएंगे दो आंसर। पहला आंसर आपके मन में ये आ सकता है कि भाई 1,00,000 से कम है तो 2,000 मिलेगा, जो कि गलत है। तो यहां पे लगेगा स्लैब रेट, मतलब पहले 50,000 पे मिलेगा 1,000 और क्योंकि 50 से ज्यादा भी है तो प्लस मिलेगा 2,000। स्लैब मतलब क्या होता है? स्लैब रेट। इसे हम सीढ़ी रेट भी कह सकते हैं, लैडर रेट भी कह सकते हैं इसको हम, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके अंदर। यही इसके अंदर क्वेश्चन में बोला गया आपको स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब है जब भी हम बोनस निकालेंगे पहले स्टेप नंबर 1 का बोनस, स्टेप नंबर 2 का बोनस, स्टेप नंबर 3 का बोनस। इसलिए मैंने क्या बोला इसको? स्टेप लैडर रेट। क्या बोला मैंने इसको? लैडर रेट। जैसे घर में सीढ़ियां होती है ना, ये सीढ़ियां पहले आएंगे पहली सीढ़ी पर, उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर, उसके बाद तीसरी सीढ़ी पर, तो जाकर आप धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगे। तो स्लैब रेट का मतलब ही यही होता है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। आगे बने सेविंग अप टू 10%। आ जाओ, तो एग्जाम्पल था जो दिया मैंने आपको आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं बात करता हूं मेन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड। अच्छा, टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड ये दिया हुआ है आपको एज ए परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है टाइम सेव्ड बराबर क्या होगा? टाइम अलाउड गुना जो भी गिवन परसेंटेज है। अच्छा, पहले क्या बोला? सेविंग अप टू 10%। अच्छा, क्या क्वेश्चन के अंदर मुझे टाइम अलाउड गिवन है? आंसर इज यस। हम 100 घंटे में हो जाना चाहिए, ये क्या है मेरा टाइम अलाउड, मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, क्या बोला? क्या बोला? सेविंग अप टू 10%। ध्यान दो जरा, पहले में क्या बोला? सेविंग्स अप टू 10%,
मतलब इसका, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ टाइम अलाउड भाई, 10% ऑफ टाइम अलाउड कितना आएगा, 10 घंटे आएगा। इसका मतलब है जो भी टाइम सेव करेगा इंप्लॉई, उसके पहले 10 घंटे पर उसको मिलेगा बोनस, उसको मिलेगा बोनस 10% ऑफ टाइम सेव्ड का, 10% ऑफ टाइम सेव्ड का, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जाओ, फिर क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम 11% टू 20%, 11% टू 20%, फ्रॉम 11% टू 20%, इसका मतलब क्या है, सेकंड रेंज, सेकंड स्लैब, यानी कि 11 घंटे से 20 घंटे के बीच में जो बचाएगा, यानी जो नेक्स्ट 10 आवर्स है, जो नेक्स्ट 10 आवर्स है, यानी कि यहां पे अगर मैं लिखूं नेक्स्ट 10 आवर्स, उसमें मिलेगा बोनस 15%, यहां मिलेगा 10%, यहां मिलेगा 15%। इसके बाद बोला फ्रॉम 21% टू 40%, इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट 20 आवर्स है उसमें मिलेगा बोनस 20%। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ये मतलब है इस स्लैब रेट का। ऐसे फ्रॉम 41 टू 100% कितना मिलेगा, 25% ऑफ टाइम सेव्ड। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में गिवन है द रेट ऑफ पे इज रुपीज 1 पर आवर। ये क्या गिवन है आपको, ये आपको पर आवर रेट गिवन है, क्या गिवन है, पर आवर रेट, यानी एक घंटे में वर्कर को हम 1 रुपया पे करते हैं। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर, अंडरलाइन करो वर्ड अर्निंग, मुझे एम्प्लॉय के विपण से निकालना है। अच्छा एंड ऑल्सो द रेट ऑफ अर्निंग आर, रेट ऑफ अर्निंग पर आर, अर्निंग होती है इंप्लॉय के व्यूपॉइंट से, तो मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव वेज रेट अर्निंग के बेस पर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करूं, चलिए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। मेरे पास 3 इंप्लॉय हैं, यहां पे लिखता हूं स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग एंड अर्निंग रेट, तो क्वेश्चन में ये तो निकालना है, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग एंड रेट ऑफ अर्निंग। तीन इंप्लॉय हैं जी, एक नाम है अमर, एक है आपका अकबर और एक है आपका एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। हमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम, इस काम को करने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, 100 घंटे लगने चाहिए थे, 100 घंटे लगने चाहिए थे, 100 घंटे लगने चाहिए थे। अच्छा एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम अमर ने लगाए हैं 60 घंटे, अकबर ने लगाए हैं 70 घंटे और एंथनी लगाए हैं 95 घंटे। अच्छा टाइम सेव कितना है, तो 40 घंटे बचा लिया, इसने 30 घंटे बचा लिए, इसने 5 घंटे बचा लिए, ये क्या मेरा टाइम सेव्ड। मुझे निकालना है कि बोनस कितने घंटे के बराबर मिलेगा, ये क्वेश्चन ने क्या बताया, बोनस कितने घंटे के बराबर मिलेगा, बोनस किसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन में लिखा है बोनस है मेरा 10% ऑफ टाइम सेव, 15% ऑफ टाइम सेव, 20% ऑफ टाइम सेव एंड 25% ऑफ टाइम सेव्ड। आइए जरा सबसे पहले बात करता हूं मैं अकबर की, यहां पे लिख रहा हूं मैं बोनस आवर्स, बोनस आवर्स, इस क्वेश्चन में बस बोनस आवर्स वाला पॉइंट ही मेन पॉइंट, इसीलिए मैंने कैटेगरी बी बोला इसको, बस यही पॉइंट मेन है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब जरा ध्यान देना, टोटल 40 घंटे सेव किया इसने, क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले 10 घंटे पर जो पहला 10 घंटा था, पहला 10 घंटा इसमें कितना मिलेगा 10%, दूसरा 10 घंटा 15%, पहले 20 घंटे 20%, समझ गया, रेंज दे रखी है मेरे को। तो आइए पहले 10 आवर्स पे मिलेगा 10%, 10% टाइम सेव पे मेरा। अच्छा अगले 10 पे मिलेगा 15% और फिर 20 पे मिलेगा 20%, बताओ दे दिया मैंने पूरे हिसाब 40 घंटे का,
10 + 10 + 20 40 घंटे हो गए ना, तो 10 का 10% एक, ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 4, तो टोटल आ गया 6.5 घंटे। 6.5 घंटे के बराबर मिलेगा इसको बोनस। अब बात करते हैं अकबर के, 30 घंटे बचाए हैं, 10 घंटे आएंगे पहली रेंज में, 10 घंटे आएंगे अगले, 10 आएंगे अगली रेंज में, और बाकी बचे 10 आएंगे इसी रेंज में, गुना 10, 15, 20 कितना आ गया, 1, 1.5 और 2, तो ये आ गया मेरा 4.5 घंटे। इतने बचाए सिर्फ 5 घंटे, ये पहली रेंज में आएगा, ये आ गया 0.50 आर। बस यही इंफॉर्मेशन की कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में यूनिक थी, जिसकी वजह से इसको मैंने कैटेगरी बी में डाला है। मुझे बताओ इसको पेमेंट कितनी मिलेगी, इसको पेमेंट मिलेगी एक्चुअल आवर्स प्लस बोनस आवर्स। यहां पे लिख रहा हूं मैं टोटल अर्निंग, देखो 60 घंटे काम किया, 6.5 घंटे का मिलेगा बोनस, रेट है 1 रुपए, कितने पैसे मिलेंगे इसको, 66 रुपए 50 पैसे। देखो इसने 70 घंटे काम किया और 4.5 घंटे क्या है इसका बोनस, रेट कितना है 1 रुपए, यहां पर आएगा 74 रुपए 50 पैसे। इसके बाद 95 घंटे काम किया और 1/2 घंटे का मिलेगा बोनस, गुना कर देंगे 1 रुपए, ये आ गया मेरा 95.5 रुपए। तो जी रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्वेश्चन ने मुझे बोली थी अर्निंग निकालो, निकाली मैंने अर्निंग, मुझे निकाली रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग और इफेक्टिव वेज रेट एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिंपल फॉर्मूला था टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स, इसको बी बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा ए बटा बी, 66.5 डिवाइड बाय 60, ये आ गया 1.1083, 74.5 डिवाइड बाय 70, ये आ गया 1.064। कैसे निकालते हैं थर्ड एम्प्लॉय का, 95.5 डिवाइड बाई 95, तो ये आ गया 1.005263। लो जी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया यहां पर आपका, कैटेगरी ए था, बी था, सी था, आप देख लो, मैं इसे कैटेगरी बी बोलता हूं बिकॉज सिर्फ और सिर्फ बोनस आर की कैलकुलेशन की वजह से। बस अगर यहां पे स्लैब वर्ड ना लिखा होता, देना अगर यहां पर स्लैब वर्ड ना लिखा होता मैं फिर रेंज देखता कि उस रेंज में कितना मिलेगा, समझ गए, क्योंकि यहां पे स्लैब लिखा है मुझे निकालना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। कुल मिलाकर कैलकुलेशन ऑफ बोनस आर्स इज द ओनली मेन पॉइंट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। चलो आगे समय कर लिया नोट, चलिए इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17, ए कंपनी इज अनडिसाइडेड, मतलब है अनडिसाइडेड का डिसीजन नहीं ले पा रही, ए कंपनी इज अनडिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ वेज सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा स्कीम लगाएं, कौन सा वेज सिस्टम लगाएं। 4 तरीके के होते हैं, एक होता है टाइम वेस्ट, एक होता है पीस रेट वेस्ट, बल्कि 5 होते हैं, एक होता है टाइम वेस्ट, एक होता है पीस रेट वेस्ट, एक होता है गारंटी, एक होता है होलसेल, एक होता है रोल, बड़े हमने। तो व्हाट काइंड ऑफ वेज स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कंपाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 सिस्टम्स विच आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी इनके पास 3 पेमेंट सिस्टम है जिनके बारे में सोच रहे हैं। ओके हमें वर्कर दिए हुए 3 ABC, उनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है अपने को, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन ए वीक, एक हफ्ते में कितने घंटे काम किया, फिर रखा है आवरली रेट ऑफ वेजेस, फिर रखा है प्रोडक्शन कितना किया, इन्हें पी कितने बनाए, क्यू कितने बनाए, आर कितने बनाए, बी ने पी कितने बनाए, क्यू कितने बनाए, आर कितने बनाए, सी ने पी कितने बनाए, क्यू कितने बनाए और आर कितने बनाए।
दिया स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज, क्योंकि एक यूनिट को बनने में 12 मिनट लगने चाहिए, क्यू की एक बनने में 18 मिनट और आर की एक बनने में 30 मिनट लगने चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड एट रुपीज 0.10। यानी होता है क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर आपको इस क्वेश्चन में पीस रेट निकालना पड़े तो आप ये मान के चलना कि एक मिनट के बदले हम उन्हें 10 पैसे की पेमेंट करेंगे, उससे हम क्या निकालेंगे पीस रेट। प्रत्येक क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ईच वर्कर अंडर, हमें क्या निकालनी है। क्वेश्चन ने हमसे ज्यादा बदतमीजी नहीं करी, क्वेश्चन ने बस हमें ये बोला कि भाई साहब निकाल दो वर्कर की वेजेस निकाल दो आप। ठीक है जी, वर्कर की वेजेस हम निकाल देते हैं। सबसे पहला है गारंटेड आवरली रेट बेसिस, गारंटेड आवरली रेट बेसिस मतलब यह है टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड वेजेस कैसे निकलती है, तो सिंपल है यार ये, एक्चुअल आवर्स वर्क ना वेज रेट, कुछ करना ही नहीं है, वेज रेट पर आवर। तीन प्रकार है मेरे, ए बी और सी, तो यहां पे लिखता हूं वेजेस, ध्यान दो जरा, इन्हें काम किया है 38 घंटे, रेट है 6 रुपए, समय की 38 घंटे काम किया पूरे हफ्ते में और रेट है 6 रुपए, तो पेमेंट होगी 228 रुपए। ऑलराइट, वर्कर बी ने काम किया है 40 घंटे, रेट है 5 रुपए, कितनी पेमेंट होगी 200 रुपए। वर्कर सी ने काम किया है 34 घंटे, कितनी रेट है 7 रुपए 20 पैसे, ये इसको मिलेगा 244.80। लो जी रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो फुलफिल हो गई, हमने निकाल दी वेजेस अंडर गारंटेड आवरली रेट्स बेसिस, बेसिकली होता है टाइम बेस्ड पेमेंट। लो जी रिक्वायरमेंट नंबर 2, हमें निकालना है पीस वर्क अर्निंग बेसिस, यानी हमें निकालना है पीस रेट के बेस पर, ध्यान दो जरा, बट गारंटेड एट 75% ऑफ बेसिक पे, अंडरलाइन करो यहां पर पीस रेट है बट गारंटी है, बट गारंटी है, कहता है इफ गारंटी एट 75% बेसिक पे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गारंटेड आवरली रेट, तो लिखा है ना आपको गारंटेड आवरली रेट, इशारा कर रहा है रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ, कहता है इफ अर्निंग हिज अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे, इतनी सिंपल सी बात बोली है, वैसे तो हम वर्कर को किस रेट के बेस पे पेमेंट करेंगे बट एक गारंटी है, और वो गारंटी क्या है ध्यान देना जरा, मिनिमम मिनिमम पेमेंट गारंटी, मिनिमम पेमेंट गारंटी, और गारंटी क्या है ध्यान देना, गारंटी क्या है, वी विल पे 75% ऑफ टाइम बेस्ड वेजेस his piece rate based wages is less than 50% of time based wages। इस क्वेश्चन में अगर कोई मेन पार्ट है जिसकी वजह से मैं इसे कैटेगरी बी में डालूंगा, वो मेन पार्ट है सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी आसान है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 तो बहुत ही आसान थी, बट गारंटी होने की वजह से क्या हो गया कैटेगरी बी में आ गया रिक्वायरमेंट नंबर 2 की वजह से। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं वर्कर ए बी और वर्कर सी की क्या निकालूंगा टाइम बेस्ड सॉरी पीस रेट बेस्ड रेट बेस्ड वेजेस, पीस रेट बेस्ड वेजेस ये निकालूंगा मैं। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, उन्होंने कितनी यूनिट्स बनाई है मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट, ध्यान दो इन्हें बनाई है, एक बनाई है पी की, 36 बनाई है क्यू की और 46 बनाई है आर की,
अगर मैं इसको पी सेनेट से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्कीस गुना जो पी सेनेट है पी का, फिर जो क्यू क्यू का है और जो आर का है, तो क्या आ जाएगा मेरा, पी सेनेट बेस्ड वेजेस। बी ने सिर्फ आर बनाई है यानी 25 गुना जो भी रेट है, और सी ने बनाया है 60, ठीक है, और 135 क्यू के, तो क्या आ जाएगा मेरा पी सेनेट बेस्ड वेजेस। अच्छा मैं बना रहा हूं यहां पे वर्किंग नोट, निकाल रहा हूं पीस रेट पर यूनिट। वैसे पीस रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट, भी लिख देता हूं पीस रेट यूनिट। आओ जरा, तीन प्रोडक्ट हैं पी क्यू आर, क्वेश्चन ने क्या बोला, पी को बनने में लगेंगे 12 मिनट, बी को 18 मिनट, क्यू को 18 मिनट, आर को 30 मिनट। क्या बोला, फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट इच मिनट इज वैल्यूड एट 10 पैसा। इसका मतलब है 12 मिनट गुना 10 पैसा, 18 मिनट गुना 10 पैसा, 30 मिनट गुना 10 पैसा, कितना आ गया ये, 1 रुपए 20 पैसे, ये आ गया 1 रुपए 80 पैसे, ये आ गया 3 रुपए, आ गया मेरा पीस रेट, ये आ गया जी मेरा पीस रेट। तो आओ मल्टीप्लाई कर दो पीस रेट से, 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे और 3 रुपए, यहां पर होगा मल्टीप्लाई 3 रुपए से, यहां पर 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे, निकाल लो भाई कैलकुलेशन। 21.2 प्लस 36 गुना 1.8 प्लस 46 गुना 3, ये आ गया मेरा 228, कर लो 228। अट्ठाईस गुना 3 कितना आ गया 75, 60 गुना 1.2 135 गुना 1.8 कितना आ गया 300। मैं क्या चेक करूंगा, गारंटेड अमाउंट, ध्यान दो जरा, यहां पे लिखता हूं मैं अर्निंग ऑफ वर्कर। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या बोला, वैसे तो हम जो पी सेट है वही पे करेंगे, वैसे तो हम जो पी सेट है वही पे करेंगे, मगर अगर उसका पी सेट वाला पेमेंट उसके टाइम वाले पेमेंट के 50% से भी कम है, तो हम पे करेंगे 75% टाइम वाले पेमेंट का। आइए मिस्टर एक ही बात करता हूं, कितना यहां पर 228, कितना यहां पर 228, यहां पे कितना है 228, क्या कम है ये, क्या ये टाइम बेस्ड के 50% से कम है, आंसर इज नो। कितना पे करेंगे इसको, इसको पे करेंगे पीस रेट के बेस पर 228, यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में पीस रेट, गारंटी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। आ जाओ वर्कर नंबर सी पे आ जाओ, पहले कितना मिल रहा है वर्कर को 315 मिल रहा है, यहां कितना मिल रहा है 244, इसको तो बल्कि ज्यादा मिल रहा है, इसे पेमेंट करेंगे पीस रेट के बेस पे, कितना पेमेंट करेंगे इसको 315। ए और सी तो कंडीशन को इन्वोक नहीं करते हैं। अब बात करता हूं वर्कर बी की, वर्कर बी को पीस रेट में कितना मिल रहा है 75 रुपए, यहां कितना मिला था 200, 200 का निकालो 50% कितना आएगा, 200 का 50% 100, इसका मतलब क्या है, जो 100 से भी कम मिल रहा है इसको, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, पीस रेट ऑफ बी इज लेस देन 50% ऑफ टाइम बेस्ड वेजेस, 50% ऑफ टाइम बेस्ड कितना है बी का 100 रुपए, उसकी पीस रेट 100 रुपए से भी कम है, इसीलिए उसे क्या पे करेंगे हम 75% ऑफ टाइम बेस्ड, यानी इन भाई साहब को हम पे करेंगे 200 का 75%, यानी इनको पे करेंगे हम 150 रुपए, समझे। यहां कौन सी पेमेंट हो रही है, गारंटी के बेस पे पेमेंट हो रही है, गारंटी पे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने गारंटी पे, जी यू ए कर दिया गारंटी पे। ये थी रिक्वायरमेंट नंबर
दो। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नंबर दो ही थी जो हल्की सी सोचने वाली थी, और रिक्वायरमेंट नंबर दो में भी सिर्फ मिस्टर बी ही है जो सोचने वाला है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कैटेगरी बी में डाला है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़े, क्वेश्चन करने के बाद तुरंत कैटेगरी ए बी और सी में उसको डिवाइड करें। सोचे मन के अंदर कौन से पॉइंट इस क्वेश्चन में मुश्किल थे। आपका जो कोर्स है ना वो समराइज ऐसे ही होता है, जो बहुत बड़ा कोर्स है ना प्रोफेशनल कोर्स, ये समराइज ऐसे ही होता है। धीरे धीरे कैटेगरी सी का मतलब हो जाता है मुझे इसको देखना ही नहीं है, मैं कर लूंगा एग्जाम में आ गया तो। कैटेगरी बी मतलब सिर्फ मुझे मेन पॉइंट देखना है। आप जब कैटेगरी डालेंगे तो कैटेगरी के आगे लिख भी लो, कैटेगरी बी क्यों है, तो लिख दो मेन पॉइंट इज रिक्वायरमेंट नंबर टू। समझ गए आप? तो जब भी इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे सिर्फ पॉइंट नंबर टू रिवाइज कर लो, बात बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट नंबर तीन कहता है प्रीमियम बोनस बेसिस वेयर द वर्कर रिसीव्स बोनस बेस्ड ऑन रोवन स्कीम। तो रोवन स्कीम के तहत टोटल वेजेस निकालने के लिए हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक होती है स्टैंडर्ड टाइम, एक होती है एक्चुअल टाइम, और एक होती है वेज रेट। तो आइए क्वेश्चन में चेक करें कि क्या हमें एक्चुअल टाइम गिवन है। आंसर इज यस, 36 घंटे, 40 घंटे, 34 घंटे। क्या हमें वेज रेट गिवन है? आंसर इज यस, 6 रुपए, 5 रुपए और 7 रुपए 20 पैसे। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। बनाता हूं वर्किंग नोट, क्या निकाल रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड टाइम, शॉर्ट में लिखा मैंने स्टैंडर्ड टाइम। वर्कर ए की बात करूंगा, बी की बात करूंगा और सी की बात करूंगा। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो इन्हें बनाई है पी की, यहां पे लिख देता हूं पी क्यू आर। ने बनाई है पी की 12 यूनिट, क्यू की बनाई है 18 यूनिट और आर की बनाई है 30 यूनिट। ये मैंने टाइम लिख दिया क्या? हाँ ये मैंने टाइम लिख दिया, यूनिट्स नहीं है ये, दिस इज लिख दिया गलती से मैंने, मिनट लिख दिया गलती से। तो बनाई कितनी है? तो पी की बनी है 21, इन्हें बनाई है पी की 21, इसकी बनाई है 36 और इसकी बनाई है 46। तो बी ने सिर्फ आर बनाई है 25 यूनिट और सी ने बनाई है 60 इसकी और 135 इसकी। ये क्या था मेरा, यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा विद टाइम रिक्वायर्ड। एक यूनिट को बनने में कितना समय लगना चाहिए, क्वेश्चन ने बताया मेरे को। एक यूनिट को बनने में लगने चाहिए 12 मिनट पी को, 18 मिनट क्यू को, 18 एम लिख देता हूं शॉर्ट में एम फॉर मिनट, और 30 मिनट आर को। क्योंकि मेरा एक्चुअल टाइम आर्स में है, मुझे आर्स में निकालना पड़ेगा। तो आर्स में निकालने के लिए मतलब मिनट्स को जब आर्स में कन्वर्ट करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60 निकाल लो भाई। ऐसे क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टैंडर्ड टाइम बी में तो आ गया 12.5 घंटे। क्या निकालता हूं, 21 गुना 12 बटा 7, 36 गुना 18 बटा 60, 46 गुना 30 बटा 60, ये आ गया मेरा 38 घंटे। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 38 घंटे, ए को 38 घंटे लगने चाहिए थे, बी को 12.5 घंटे लगने चाहिए थे। अब बात करते हैं सी की, तो 12 प्लस ये आ गया 135 गुना 18 बटा 60 प्लस 12, तो सी को लगने चाहिए थे 52.50 घंटे। तो ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम, ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड 38, 12.5, 52। अब मैं निकालू क्या, मैं निकालता हूं स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेजेस अंडर
वन। तीन प्रकार है, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था? 38 घंटे ए को लगने चाहिए थे, बी को 12.5 घंटे, सी में 52.5 घंटे। अच्छा एक्चुअल टाइम कितना लगा? एक्चुअल टाइम तो ए को लगा है 38 घंटे, बी को लगा है 40 घंटे और सी को लगा है 34 घंटे। एक खास पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, यहां पर टाइम सेव्ड भी लिख देता हूं मैं यहां पर, टाइम सेव्ड। ये खास क्यों है बता दूं मैं आपको, 38 घंटे में होना चाहिए था, 38 घंटे पे किया, टाइम सेव्ड जीरो है, कोई डाउट नहीं है। 12.5 घंटे में होना चाहिए था, 40 घंटे में किया, टाइम सेव्ड जीरो। यहां पर नेगेटिव मत लिख देना, ये खास बात है, यहां पर नेगेटिव मत लिख देना, यहां पर क्या आएगा? जीरो। उसको मैं लिखता हूं नील, अलग वाले कलर से लिखता हूं मैं इसको, थोड़ा ब्लैक से लिख देते हैं यार। ये मेन है, मत कर देना, 12.5 माइनस 40 यानी माइनस के, समझ गए? अच्छा 52.5 घंटे लगने चाहिए थे, 34 घंटे में कर दिया, तो कितने बचाए? 18.5 घंटे। अब मुझे क्या निकालनी है? टोटल वेजेस। फॉर्मूला क्या है? कितने आवर्स काम किया? 38। एवरेज रेट है 6 रुपए। कितना टाइम सेव किया? जीरो। जीरो तो बात ही खत्म हो गई, तो जीरो ही है फिर तो, 0 गुना रेट डिवाइड बाई टाइम, टेकन बटा टाइम अलाउड, यानी 38 बटा 38 कितना आएगा? ये सिर्फ 38 गुना 6 तो आएगा, ये 228 आएगा, ये बस। अब बात करता हूं मिस्टर बी की, देखो टाइम टेकन कितना? 40 घंटे, भाई 40 गुना रेट क्या है? रेट है 5। टाइम सेव कितना? 0। रेट कितना? 5। टेकन कितना? 40। आउट कितना? 12.5। कितना आएगा ये? 200 आएगा। अब बात करते हैं मिस्टर सी की, टाइम टेकन कितना? 34 घंटे। रेट कितना? 7 रुपए 20 पैसे। सेव्ड कितना? 18.5 घंटे। रेट कितना? 7 रुपए 20 पैसे। टेकन कितना? 34 घंटे। आउट कितना? 52.5 घंटे। निकाल लो भाई। ये आ गया मेरा 331.0628। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार आप मैथमेटिकली। लो जी क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर हो गया आपका कंप्लीट, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन में सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर टू, इस क्वेश्चन में सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर टू इस मेन रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने कैटेगरी बी में डालने के लिए बोला है आपको। 17 जी हो गया, 17 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स स्किल्स एंड प्रिसिशन इन द वर्क टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। द कंपनी हैज बीन एक्सपीरियंसिंग हाई लेबर कॉस्ट ड्यू टू स्लो स्पीड ऑफ वर्क। वर्कर बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। अच्छा, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। इट वॉज टू इंट्रोड्यूस ए बोनस स्कीम बट इज इनडिफरेंट बिटवीन हॉलसे एंड रोवन। ये कह रहे हैं बोनस स्कीम तो लगाना चाहते हैं हम, बट हमें फर्क नहीं पड़ता हम हॉलसे लगाएं या रोवन लगाएं। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी हम बात करेंगे कि हॉलसे और रोवन में कौन सी बेटर है, हम बोलेंगे रोवन इज बेटर। हॉलसे ठीक ठाक, रोवन ने उसे और बेटर कर दिया, समझ गए? रोवन स्कीम इज ऑलवेज बेटर। आगे बढ़ते हैं। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 द कंपनी बजटेड फॉर 24,960 आवर्स ऑफ द वर्क।
लाइन करो, बजट क्या मतलब है इसका? बेसिकली ये आपका है स्टैंडर्ड टाइम, आप चाहो तो लिख सकते हो कि नवंबर वाले महीने में इन्होंने ऐसा सोचा कि ये लोग 24,960 घंटे काम करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है मेरा स्टैंडर्ड टाइम, 24,960। ऑलराइट। अच्छा जी, द वर्कर्स आर पेड एट द रेट 80 पर आवर। ये क्या है मेरा 80 पर आवर, दिस इज माई वेज रेट, 80 रुपए पर आवर। ठीक है जी। अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ो जी, कैलकुलेट एंड सजेस्ट, अंडरलाइन करो वर्ड सजेस्ट, कैलकुलेट एंड सजेस्ट द बोनस स्कीम वेयर द टाइम टेकन इन परसेंटेज टाइम अलाउड कंप्लीट द वर्क इज 100%, 75%, 50% एंड 25% ऑफ बजटेड आवर्स। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उनकी अर्निंग और मुझे सजेशन देना। बेसिकली मेरा पर्पज है ये बताना कौन सी स्कीम बेटर है, हॉल से बेटर है या रोवन बेटर है, ये है मेरा पर्पज। चार सिचुएशन है, आइए मैं निकाल रहा हूं, ध्यान देना जरा। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग टोटल अर्निंग, अर्निंग बोले तो इंप्लॉय के व्यू पॉइंट से, एंड अर्निंग पर आवर, यानी ये भी इंप्लॉय के व्यू पॉइंट से। आपको अभी अब अगर समझ में नहीं आ रहा है ध्यान देना, क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था ऊपर, क्वेश्चन ने मुझे बोला था द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। इस क्वेश्चन में ना पीएफ है ना ईएसआई है, जो इंप्लॉय की अर्निंग है वही कंपनी क्या बन जाएगी, लेबर कॉस्ट। यानी कंपनी क्या चाहती है कि लेबर कॉस्ट कम हो बट क्वालिटी ना गिरे, क्वालिटी ना गिरे। अच्छा क्वालिटी कब गिर सकती है किसी भी काम में क्वालिटी कब गिर सकती है, जब उस काम को बहुत जल्दी करने की कोशिश की जाए। जैसे अगर मैं चाय बना रहा हूं और मैं कसम खाऊं कि चाय मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर बना दूंगा तो मैं जहर बनाऊंगा, ना पीने में अच्छा होगा ना हेल्थ के लिए अच्छा होगा, मैं जहर ही बनाऊंगा। तो टाइम बहुत ज्यादा कम लगा दिया भी क्वालिटी गिर जाएगी। जैसे मान लो मैंने आपको बोला है कि भाई आपका पूरे कॉस्टिंग का रिवीजन, सारे सब्जेक्ट का या सारे कॉन्सेप्ट का, मतलब सभी सभी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैं बोलता हूं आपको कि 5 घंटे में आराम से हो जाता है, 4 से 5 घंटे में आराम से हो जाता है। मैंने क्या दिया आपको, स्टैंडर्ड टाइम। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी चैप्टर है कॉस्टिंग के अंदर उन सबके कॉन्सेप्ट का जब आप रिविजन करोगे रिविजन टाइम पर, एक बार में आपके मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगने चाहिए, स्पेसिफिक मैक्सिमम 5 घंटे लगने चाहिए। 5 घंटे क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम। मेरा क्या मानना है कि अगर 5 घंटे में वेब से रिवीजन कर रहे हो तो 100% क्वालिटी के साथ रिवीजन होगा। बट बच्चे ने कसम खा ली, वो कह रहा है जी मैं तो 1 घंटे में खत्म करूंगा। भाई 1 घंटे में खत्म तो कर लेगा बट कहीं ना कहीं क्वालिटी में कमी आएगी। कहने का मतलब क्या है, दोनों में लिंक क्या है, देखो वर्कर को मतलब है उसकी अर्निंग से, इंप्लॉयर को मतलब है क्वालिटी से। समझना इस बात को, आइए पहले मैं कुछ समझा देता हूं आपको। देखो वर्कर को मतलब है अर्निंग से, फॉर अर्निंग। अच्छा कंपनी को मतलब है क्वालिटी से, राइट। अर्निंग कब बढ़ेगी वर्कर की, जब वो टाइम बचाएगा, उसे क्या मिलेगा, बोनस। उसे क्या मिलेगा तो बोनस, उसकी अर्निंग बढ़ेगी। उसकी अगर अर्निंग बढ़ती जा रही है वो टाइम कम करते जाएगा, और जब वो टाइम कम करते जाएगा क्वालिटी कम हो जाएगी। भाई अगर उसकी अर्निंग टाइम सेव करने से बढ़ती ही जा रही है तो वो तो करते जाएगा ना, उसका पर्पज की अर्निंग को बढ़ाना, उसका पर्पज है नहीं क्वालिटी, क्वालिटी पर्पज है कंपनी का। ध्यान देना, अगर टाइम ज्यादा सेव करने से यानी फटाफट काम करने से वर्कर की अर्निंग बढ़ती है, वर्कर मोटिवेट होगा उस काम को और जल्दी करने में, इससे क्या होगा कंपनी की क्वालिटी, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। हम देखेंगे इन दोनों स्कीम में वो कौन सी स्कीम है जो वर्कर को ज्यादा टाइम कम करने के लिए मोटिवेट नहीं करती है। समझ रहे हो, हम ये तो चाहते हैं उसकी अर्निंग बढ़े, इतनी अर्निंग भी ना बढ़ा दे उसकी कि हमारी क्वालिटी में हैम्पर हो जाए।
क्या निकाले यहां पर, अर्निंग, अर्निंग पर आवर, ये निकालते हैं। चार सिचुएशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, टाइम टाइम टेकन टू अलाउड रेशो, टाइम टेकन टू अलाउड परसेंटेज, चार केस है जी। पहले में 100%, दूसरे में 75, तीसरे में 50 और चौथे में 25। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं टाइम अलाउड। अच्छा, क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर टाइम अलाउड गिवन है? गिवन है जी 24960 घंटे, 24960 घंटे, 24960 घंटे, 24960 घंटे। सिंपल है मामला, यहां तक मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन। टाइम क्वेश्चन ने क्या बोला, टाइम टेकन टू टाइम अलाउड कितना है 100%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम अलाउड गुना गिवन परसेंटेज। टाइम टेकन टाइम अलाउड रखा है मुझे, मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन मतलब इज इक्वल टू टाइम अलाउड गुना परसेंटेज। भाई देखो 100% गुना 24960 कितना आएगा, 24960 घंटे। सेकंड वाले में कितना आएगा, 75% से मल्टीप्लाई कर दो, 18720 घंटे। 24960 गुना 50% कितना आ गया, 12480। 24960 गुना 25% कितना आ गया, 6240। ये क्या आ गया मेरे टाइम। अच्छा, क्या मैं टाइम सेव्ड निकाल सकता हूँ? टाइम सेव्ड सिंपल है यार, ये है मेरा अलाउड, ये है मेरा टेकन, क्या बनेगा, ई माइनस बी, तो माइनस यहां पर कितना आएगा निल, यहां पर 6240, यहां पर 12480, यहां पर आएगा हम कितना आएगा यहां पर माइनस 18720, आ गया मेरा टाइम सेव्ड। देखो मेरे पास टाइम अलाउड भी है, मेरे पास एक्चुअल टाइम भी है, मेरे पास टाइम सेव्ड भी है, और मेरे पास वेज रेट भी है जो कि है 80 रुपए पर आवर, जो कि है 80 रुपए पर आवर। हम टोटल वेजेस निकाल सकते हैं, पहला निकालेंगे अंडर होलसेल और दूसरा निकालेंगे अंडर रोवन, डॉट में लिख दिया मैंने होलसेल रोवन। या मेरी अर्निंग, इसको मैं अर्निंग भी लिख सकता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप, टोटल अर्निंग ठीक है ना, निकालूंगा अंडर होलसेल रोवन, उसके बाद यहां पे निकालूंगा अर्निंग रेट, क्या निकालूंगा अर्निंग रेट, और ये भी निकालूंगा अंडर होलसेल अंडर रोवन, शॉर्ट में लिखा मैंने आर ओ डब्ल्यू। अच्छा ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्या फटाफट से, निकालू अंडर होल से, मैं भी निकालता हूँ फटाफट, निकालता हूँ मैं भी, जानता हूँ ये निकाली हो गया, मैं निकालता हूँ फटाफट से, आ गया 1996800। अब निकालता हूं अंडर रोवन, सेम ही आएगा, टेकन बटा अलाउड, एग्जाम के अंदर भी आपको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है।
मैंने निकाल लिया है टाइम टोटल अर्निंग, एक बार कैलकुलेशन आप सभी चेक कर लेना। याद है, नोट कर लो आप क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन बाकी है, समझते हो चलना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। गुड क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है अर्निंग रेट। अर्निंग रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय, अभी लिख देता हूं मैं, अर्निंग रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन। निकालूं 96,800 2,496,00 से डिवाइड करना, ठीक है, आ गया 80 रुपये। ये भी आएगा 80 रुपये। जी क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी तक? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक पहुंच गए। अब आओ, अब है मेन बात। आओ जरा, यहां पे लिख रहा हूं मैं रेट ऑफ इंसेंटिव, ये बहुत मेन बात है, रेट ऑफ इंसेंटिव। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी बी में डालता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस रेट ऑफ इंसेंटिव वजह से, रेट ऑफ इंसेंटिव अंडर होलसेल एंड रोगन। आपके मन में आएगा सर क्या है रेट ऑफ इंसेंटिव? ध्यान देना जरा, आप देख रहे हो होलसेल और रोगन के अंदर अर्निंग बढ़ रही है, 80 से कितनी हो गई? 91। 91 के बाद 120, फिर 200, है ना। रोगन की अर्निंग कितनी है? 80, 100 रुपए घंटा, 120 रुपए घंटा और 140 रुपए घंटा। कुल मिलाकर इतना स्पीड में काम करें, देखो यहां पर इतना टाइम लिया, यहां पे कम लिया मतलब स्पीड बढ़ गई, यहां पे और कम लिया मतलब और स्पीड बढ़ गई, यहां पे टाइम और कम लिया मतलब और स्पीड बढ़ गई। यानी जैसे जैसे वो स्पीड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनकी अर्निंग रेट बढ़ रही है। बात तो ठीक आ रही है, समझ आ रही? जैसे जैसे वो स्पीड को बढ़ा रहे हैं उनकी अर्निंग की रेट बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अर्निंग की रेट बढ़ाने का इंसेंटिव कितना है? तो ध्यान दे जरा, ध्यान दीजिए, देखो अर्निंग दोनों में बढ़ रही है, यह बात तो कंफर्म है कि स्पीड कम करने से इंप्लॉय की अर्निंग पर आर दोनों में बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि ज्यादा इंसेंटिव कहां पर है, होलसेल स्कीम में, रोमन स्कीम में? ज्यादा मोटिवेट कहां पर होगा वो, होलसेल में कि रोवन में? और हमें क्या करना है? हमें उसे डीमोटिवेट करना है ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए डीमोटिवेट किया अभी तो आएगा क्वालिटी में इंपैक्ट, क्वालिटी तभी तो अच्छी होगी वरना क्वालिटी खराब हो जाएगी। दोबारा से बोलता हूं उस लाइन को, अगर हम अपने इंप्लॉयज को डीमोटिवेट कर दें ज्यादा कम समय में प्रोडक्शन करने के लिए, इससे हमें फायदा है क्योंकि अर्निंग बढ़े तो हम चाहते हैं, अर्निंग तो बढ़ ही रही है ना, 80 से 93, 93 से 120, 120 से 200, जैसे जैसे वो स्पीड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अर्निंग बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब चेक करते हैं उनकी अर्निंग बढ़ने की स्पीड कितनी है। ये चेक करें अर्निंग बढ़ने की स्पीड, ध्यान दो, 80 से 93 हो गया, 80 से 93 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 80 से 93 हो गया, कितना बढ़ गया? यहां पर लिख के कैसे पता चलेगा मैं, 80 से 93 हो गया, कितना बढ़ गया? 33 रुपए डिवाइड बाई 80, वह कितना परसेंट बढ़ गया? ये आ रहा है मेरा 16.67%। 80 से 93 मतलब कितना इंसेंटिव है? 16% बढ़ गया है। 93 से 120 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 93 से 120
ये आ रहा है मेरा 28.57%, 120 से 200 हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज, ये आ रहा है मेरा 66.67% इंक्रीज। अब बात करते हैं रोमन की, 80 से 100 हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज, 32%। कैसे निकाला मैंने, 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 80, 100 से 120 हो गया, 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100, 120 से 140 हो गया, 140 140 माइनस 120 यानी 20 डिवाइड बाई 120, कितना आ गया, 16.67। आ जाओ भाई आ जाओ, रेट ऑफ इंसेंटिव निकाल लेने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोलने वाला हूं मैं, सुनो। अर्निंग दोनों की बढ़ रही है, बट यहां पर अर्निंग बढ़ाने का मोटिवेशन देख रहे हो आप, अर्निंग बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है, दोनों फर्क है, एक तो होता है अर्निंग का बढ़ना और एक तेजी से बढ़ना। किसी की सैलरी 1 लाख थी, 1 लाख 1 हजार हो गई, अर्निंग तो बढ़ी है, सैलरी तो बढ़ी है, बट बढ़ी बहुत कम स्पीड से है। यहां पे देखो अर्निंग तो रोवन में ही बढ़ रही है, बट यहां बढ़ने की स्पीड कम है, देख रहे हो आप, 25 से 20 हो गई, 20 से 16 हो गई, ये क्या है, स्पीड इज लेस, यहां पर स्पीड इज ऑल्सो मोर। अर्निंग तो दोनों केस में बढ़ ही रही है, स्पीड इज ऑल्सो मोर, अर्निंग तो दोनों केस में बढ़ ही रही है, बट रोवन वाले केस में स्पीड स्लो होती जा रही है बढ़ने की, 1 लाख से 1 लाख 10 हजार हुआ, फिर 1 15 हुआ, फिर 1 बार, फिर 1 15 हुआ, फिर 1 17 हुआ, समझ रहे हो, सैलरी बढ़ तो रही है पर बढ़ने की स्पीड कम होती जा रही है। और मैं क्या चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं कि उनको डिमोटिवेट किया जाए। मुझे बताओ क्या दूंगा सजेशन मैं यहां पर, रोवन स्कीम इज बेटर, सिंपल सी बात, यहां पर लिख रहा हूं मैं, रोवन स्कीम इज बेटर बिकॉज रेट ऑफ इंसेंटिव इज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग विच विल डिमोटिवेट एम्प्लॉई वर्क वेरी फास्ट, हमें वेरी फास्ट काम करवाना नहीं उनसे, वर्क वेरी फास्ट एंड हेंस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट रिड्यूस, विल नॉट रिड्यूस। भाई साहब जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इसमें जो रेट ऑफ इंसेंटिव निकालने वाली बात है, यही बात बहुत मेन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी बी में डालता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहां पर हो गया जी कंप्लीट। नोट कर लीजिए, तो कर लिया, चलिए आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 25, जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 भी मेरे हिसाब से कैटेगरी बी वाला क्वेश्चन है, यानी कुछ पॉइंट हैं जो इस क्वेश्चन में आपको नए सीखने को मिलेंगे, बट क्वेश्चन में ऐसा कोई खास दम है नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, आपके मन में आता होगा सर कभी कभी तो आप क्वेश्चन पढ़ना चालू कर देते हो और कभी कभी आप बोलते हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं रिवर्स रीडिंग टेक्निक, इस बात को आप लिख लो, हो सकता है आगे क्वेश्चन करते वक्त मैं इसके बारे में बात ना करूं, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एक बार जो बात मैंने बता दी आपको वो बात नोट कर लेनी चाहिए। रिवर्स रीडिंग टेक्निक से क्या होता है, एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मात्र पढ़ने से आपको पता पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर आपने किए हैं तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, मेरे करने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर आपने नहीं किए क्वेश्चन तो आएगा कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इससे क्या होता है, एग्जाम में एक सीक्वेंस सेट करने में आपको हेल्प मिलती है,
कि भाई पहले कौन सा करूं क्वेश्चन, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिए गए समय के अंदर अगर आपने पूरे का पूरा पेपर नहीं किया और जो क्वेश्चन आपको आता था वो भी छूट गया, ये महापाप है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है उसको सॉल्व नहीं कर पाए, इससे बड़ा पाप तो आप कह ही नहीं सकते हो चाहकर भी। समझे? तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है जी? क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द आवर्स वर्कड। क्या दिखाना है उस स्टेटमेंट के अंदर? कितने घंटे काम किया? ओके, वीकली अर्निंग्स, वीकली अर्निंग्स, अंडरलाइन करो वर्ड वीकली। हमें मंथली नहीं निकालनी, हमें डेली नहीं निकालनी, हमें निकालनी वीकली अर्निंग। ओके, तीसरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चौथा लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर, फॉर वन ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। पहला है एग्जिस्टिंग टाइम रेट। ओके, यानी कि अगर पेमेंट करें टाइम के बेस पर, टाइम बेस्ड वेरियस में दिखानी चारों चीजें। दूसरा अगर करें पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट पीस वर्क, यानी पी सेट वाला मेथड। तीसरा हॉल, तीसरा रोगन, चौथा हॉलसेल, चौथा हॉलसेल। इस क्वेश्चन के अंदर आपको चार इंफॉर्मेशन दिखानी है, चार अलग अलग मेथड्स ऑफ पेमेंट के अंदर आपको चार इंफॉर्मेशन दिखानी है, चार अलग अलग पेमेंट्स मेथड के अंदर। चलिए ये बना लेते हैं। क्वेश्चन ने जो बोला मुझे स्टेटमेंट शोइंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, एग्जाम में लिख सकता हूं मैं ऐसे डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, लेना कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका टाइम रेट वाला मेथड, दूसरा है आपका पीस रेट वाला मेथड, तीसरा है आपका रोवन और चौथा है आपका होलसेल। इन चारों मेथड के अंदर मुझे बताना है सबसे पहला आवर्स वर्कड, ठीक, तो मुझे बताना है कितने घंटे काम किया है। ओके, दूसरा मुझे बताना है वीकली अर्निंग, वीकली अर्निंग। तीसरा मुझे बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और चौथा मुझे बताना है लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ये चार इंफॉर्मेशन चार मेथड के अंदर मुझे क्वेश्चन ने बतानी है। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं, लिखा एज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। अंडरलाइन करो, 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए 40 आवर वीक, यानी एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया है, एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया है। एंड 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रेट पीस वर्क, रोवन प्रीमियम सिस्टम एंड होलसेल प्रीमियम सिस्टम। एंड वर्कर्स अर्न, यहां तक हो गया बात, पहले करते हैं। क्या बोला? 135 आर्टिकल, ध्यान देना जरा, मुझे क्वेश्चन ने खुद बता दिया यहां पर बनाए हैं 135 यूनिट। लो जी, यहां पर भी बनाए हैं 135 यूनिट। लो जी, यहां पर भी बनाए हैं 135 यूनिट। लो जी, यानी कि इन चार इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन नंबर तीन में जो तीन मेथड के अंदर यूनिट्स बनी है वो तो मुझे क्वेश्चन ने बताया गया, तो मुझे क्या चाहिए? ओके, लिखा है वर्कर्स अर्न हाफ द टाइम सेव्ड अंडर होलसेल प्रीमियम सिस्टम। क्या मतलब है इसका? वर्कर्स अर्न हाफ द टाइम सेव्ड, हाफ मतलब 50%, किसका? टाइम सेव्ड का, किसमें? होलसेल में। अरे अगर ये बात क्वेश्चन मुझे ना भी बताता अभी तो मैं यही करता हूं, टाइम सेव्ड का निकालता हूं 50% कर देता हूं वेज रेट, क्वेश्चन भी ना फालतू की बातें बोलता, हमें पता है यार ये चीजें। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को ऊपर से। आओ, द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ अल्फा लिमिटेड इज एज अंडर, एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ अल्फा लिमिटेड इज एज अंडर। नॉर्मल वर्किंग वीक, नहीं करो वर्किंग वीक, नॉर्मल वर्किंग वीक, 5 दिन काम किया 8 घंटे ईच, प्लस 3 लेट शिफ्ट है 3 घंटे ईच। जरा ये बात कर रहा है
की बात कर रहा है, यहां पर आइए लिखिए वर्किंग नोट नंबर वन, ये बात कर रहा है टाइम बेस्ड वाले पेमेंट की, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग। कहता है काम किया 5 दिन तो काम किया 8 घंटे, और 3 दिन काम किया इन लेट शिफ्ट की 3-3 घंटे की, एंड रेट ऑफ पेमेंट है डे में दिए 160 पर आवर और लेट शिफ्ट में दिए 225 पर आवर। ध्यान दो जरा, एक है डे शिफ्ट और एक है लेट शिफ्ट, ठीक है ना, डे शिफ्ट और लेट शिफ्ट। ध्यान दो, डे शिफ्ट में काम किया है 5 दिन 8 घंटे ईच, कितना हो जाएगा 40 घंटे भाई, 5 दिन 8 घंटे ईच 40 घंटे, और लेट शिफ्ट में काम किया 3 घंटे ईच और 3 दिन किया, तो 3 गुना 3 9 घंटे, कुल मिला कितने घंटे हो गए 49 आवर्स, 49 आवर्स, 49 आवर्स भाई, 49 आवर्स मुझे मिली क्या? इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बात जो हम लिखना भूल गए वो क्या है, नीचे क्वेश्चन ने बोला था एज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए 40 आवर वीक, क्वेश्चन ने हमें ये दे रखा है 40 आवर वीक, ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, ये लिखना रह गया था यहां पर, हालांकि अपन ने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ तो लिया था। अब आ जाओ यहां पर, तो भाई डे रेट क्या है 160 पर आवर और लेट शिफ्ट में 225, आइए निकाले जरा, आ गया 8425, 8425। आओ जरा क्या है यहां तक मामला, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर वन, ये कितना है मेरा 8425 अभी निकाला, वर्कर को जो मिलेगा वही उसकी अर्निंग है और कुछ और तो है नहीं, तो वही लेबर कॉस्ट बन गया। इस क्वेश्चन में ना तो पीएफ है ईएसआई है, तो टोटल वेजेस जो वर्कर को देते हैं हम वही क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। यहां तक पहले बात समझा के बताओ, यस और नो, यस और नो, यस। वर्किंग नोट नंबर वन यहां पर लिख दो शॉर्ट में WN1, इसके बारे में कहां बात करी मैंने, वर्किंग नोट नंबर वन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एवरेज आउटपुट ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स वीक इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट कितना है 120 आर्टिकल, यहां पे कितने बने आर्टिकल 120। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास टोटल लेबर कॉस्ट है वर्कर के, ध्यान देना अर्निंग को लेबर कॉस्ट क्यों बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि इस केस में इस क्वेश्चन में कोई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एम्प्लॉयर का नहीं है, ना कोई कंट्रीब्यूशन ईएसआई पर है एम्प्लॉयर का, जो अर्निंग है वर्कर की वही मेरी क्या बन जाएगी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मेरे पास है, यूनिट्स मेरे पास है, तो कैसे गया डीएलसी ए बटा बी, हाँ भाई, तो डिवाइड बाई कर दूंगा 120, तो ये आ गया मेरा 70 रुपए 20 पैसे, तो मैं इसको 21 भी कर सकता था 70 रुपए 21 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। लो जी पहले वाले मेथड की चारों इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, बढ़ते हैं आगे, इससे मुझे ये तो पता पड़ गया है कि अगर मैं वीकली अर्निंग निकाल दूं इस रेट में रो वन में और होलसे में डीएलसी आराम से आ जाएगा, इंफॉर्मेशन नंबर 4। तो आगे बढ़ता हूं जी, अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट इलिमिनेट ओवर टाइम, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड इलिमिनेट ओवर टाइम इट वॉज डिसाइडेड स्विच ऑन ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बाई रिजल्ट, The following information is obtained. ध्यान दो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को, इन्फॉर्मेशन क्या है टाइम रेट 160 पर आवर, ये क्या है मेरा, ये है मेरा नॉर्मल वेज रेट पर आवर 160 रहेगा। अच्छा बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 आवर्स, 15 आर्टिकल बनने में 5 घंटे लगने चाहिए, ये क्या है बेसिकली मेरा स्टैंडर्ड। फिर मुझे क्या माना पीस वर्क रेट एड 20% बेसिक पीस रेट, फिर लिखा है प्रीमियम बोनस एड 50% टू टाइम, ये तो दोनों है ना एड 20% एड 50%, बस इन दो पॉइंट का इंप्लीकेशन ही इस क्वेश्चन को कैटेगरी बी में डालता है,
ये दो पॉइंट अभी जब मैं करूंगा आपको बताऊंगा, और ये दो पॉइंट ही बस इस क्वेश्चन में मेन है। आइए वर्किंग नोट नंबर टू बनाता हूं और निकालता हूं अर्निंग अंडर पीस रेट। आंसर को आप साथ साथ में नोट करते हुए चलिए, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अंडर पीस रेट। ध्यान देना जरा, मुझे क्या निकालनी है, पीस रेट। क्वेश्चन ने क्या बोला मेरे को, क्वेश्चन ने मुझे बोला कि एक घंटे में 160 आवर्स, एक घंटे में 160 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ती है। कितने की, 160 रुपीज की। ध्यान देना जरा, 15 यूनिट्स बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए, राइट। अच्छा 5 घंटे लगे तो पेमेंट कितनी करनी है मेरे को, 160 के हिसाब से कितना हो जाएगा ये, 1680 यानी 800। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ 15 बनाने में 800 रुपए लगने चाहिए। कितना आएगा पर यूनिट, 800/15, यस और नो, 800/15। ध्यान देना जरा, यानी कि 800 रुपए बचा है 15 बनाने का, तो 800/15 यूनिट्स, ये तो क्या आ गया मेरा पीस रेट। अब जरा खास बात, क्वेश्चन ने क्या बोला, एड 20%, मतलब जो पीस रेट मेरे पास आया है, जो पीस रेट मेरे पास आया है उसमें 20% मुझे ऐड करना है। मतलब तो निकाल लेते हैं, 800/15 कर लो, कितना आ गया, 53 रुपए 33 पैसे, कितना आ गया ये आ गया मेरा 53 रुपए 33 पैसे पर यूनिट। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, इसमें ऐड कर दो 20%। भाई 53 रुपए 33 पैसे का 20% ऐड कर दो, तो ये हो गया मेरा 64 रुपए पर यूनिट। बस यही कैलकुलेशन इसी रेट की रीजन है कि ये क्वेश्चन कैटेगरी बी में आ रहा है। इसको एब्जॉर्व करो, 15 यूनिट्स को बनने में 5 घंटे लगने चाहिए, 5 घंटे में पेमेंट करेंगे हम 160 रुपए पर घंटे के हिसाब से 800 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 800 रुपए लगेंगे 15 यूनिट बनाने में, तो कितना हो गया पर यूनिट, 800/15। बट क्वेश्चन ने बोला 20% इसमें और ऐड करो, तो हमने ऐड कर दिया, तो क्या आ गई पीस रेट 64 रुपए। तो अगर मैं निकालूं वीकली अर्निंग, वीकली अर्निंग बताओ जरा, यूनिट्स कितने बनाए गए हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, 135 यूनिट्स गुना 64, ये आ गया मेरा 8640, 8640। आइए ऊपर लिख दूं क्या, 8640, तो ये आ गया मेरा 8640 और ये आएगा आपका 64 रुपए। तो लो जी, मेथड नंबर टू जो कि है मेरा पीस रेट, इसके बेस पे निकाल दिया मैंने। तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। अब आइए बढ़ते हैं आगे, वर्किंग नोट नंबर तीन, वर्किंग नोट नंबर तीन, ठीक है ना, W3। अब आइए बात करते हैं हॉल्स की और रोवन की। आइए वर्किंग नोट नंबर तीन। अच्छा क्वेश्चन में क्या मुझे एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम तो दिया हुआ है मेरे क्वेश्चन के अंदर, और वो कितना है 40 आवर्स। कहां दिया था मुझे, सबसे आखिरी में, अज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 40 आवर वीक। अच्छा मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम, बस यही इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट है। अगेन वही क्या बोलता है, एड 50% टू टाइम। तो आओ भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला, 15 यूनिट्स को बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए, 15 यूनिट्स को बनाने में 5 घंटे लगने चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं एक यूनिट में कितना, तो क्या बोलोगे आप, 5/15। और अगर मैं आपसे पूछूं 135 में कितना, तो आप क्या बोलोगे, 5/15, 135 गुना 5/15।
तो ये आ गया मेरा 135 गुना 5/15, ये आ गया मेरा 45 घंटे। ध्यान देना जरा, 45 घंटे प्लस क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला 50% ऐड करो, तो 45 का 50% ऐड कर दो, कितना आ गया ये 67.508। चेक करो क्या ठीक निकाला मैंने स्टैंडर्ड आवर्स, आंसर इज यस। अब मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम भी है, मेरे पास एक्चुअल टाइम भी है, और क्या मेरे पास वेज रेट है कितनी है 160 पर आवर, दिस इज माय वेज रेट। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल वेजेस, ध्यान देना जरा, टोटल अर्निंग कह लो अंडर, पहले निकालता हूं, पहले कौन सा मेथड था, पहला पूछा गया है रोवन, फिर उसके बाद होलसेल, तो निकालता हूं रोवन के अंदर और फिर निकालूंगा होलसेल के अंदर। तो कितने घंटे काम किया, 40 घंटे काम किया, रेट कितना 160, अच्छा बचाए कितने, तो 67.50 माइनस 40, ये है टाइम सेव्ड गुना 160, क्या रेशो है टाइम टेकन बटा अलाउड, तो टेकन कितना 40, अलाउड कितना 67.50। आइए निकालें, ये आ गया मेरा 9,007.40, 7 आ रहा है, 41 कर लेते हैं। अब यहां पे आ जाओ, 40 गुना 160, टाइम बचाए कितना, तो 67.50 माइनस 40 गुना 160 गुना 50%, ये आ गया मेरा 8,600। तो लो जी मैंने निकाल ली अर्निंग रोवन की भी होलसे की भी, मैंने निकाल ली अर्निंग रोवन की भी और होलसे की भी, लिख दो ऊपर 9,007.41 और ये है आपका 8,600, डिवाइड बाई कर दिया 135, तो ये आ गया 63.70 और ये आ गया 66.72। लो जी ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर हो गया जी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 25 कैटेगरी बी क्वेश्चन है, यहां पर बस मेन पॉइंट वही है पीस वर्क रेट और प्रीमियम बोनस के अंदर ऐड 20% ऐड 50%, ये निकालना, मतलब न्यू पीस रेट निकालना और स्टैंडर्ड टाइम निकालना इज द ओनली पॉइंट जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 25 को मैंने कैटेगरी बी में डाला है। तो जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो बस ये दो पॉइंट आप देख लेना, काम बन जाएगा आपका। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ जी अब 25 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन नंबर 26 अगेन कैटेगरी बी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एन आर्टिकल पासेस थ्रू फाइव हैंड ऑपरेशंस एज फॉलोज, एक प्रोडक्ट बनने के लिए पांच ऑपरेशन करने पड़ते हैं, उसके ऑपरेशन मतलब पांच अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे किसी को अगर सीए बनना हो तो पहले फाउंडेशन या सीपीटी, फिर उसके बाद इंटर या आईपीसीसी और उसके बाद फाइनल, तो तीन लेवल्स हैं, तो तीन प्रोसेस है, उनसे गुजरने के बाद वो बनता है सीए। वैसे ही इस कंपनी के अंदर एक आर्टिकल को, एक प्रोडक्ट को बनने के लिए पांच ऑपरेशन से गुजर के होना पड़ता है, ऑपरेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा ध्यान दे क्या दिया हुआ है, टाइम पर आर्टिकल, ऑपरेशन 1 में लगते हैं 15 मिनट, 2 में लगते हैं 25 मिनट, 3 में लगते हैं 10 मिनट, 4 में लगते हैं 30 मिनट और 5 में लगते हैं 20 मिनट। इसे करता कौन है, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, वर्कर डी, वर्कर ए। अच्छा और ये रखिए मुझे वेज रेट पर आर, ठीक है जी, यानी वर्कर ए को मिलता है 65 रुपए 65 पैसे पर घंटा, बी को मिलता है 50 पैसे पर घंटा, सी को मिलता है 40 पैसे पर घंटा और डी को 35 पैसे और ई को 30 पैसे पर आर। द फैक्ट्री वर्क्स 40 आवर्स ए वीक, अंडरलाइन करो, फैक्ट्री एक हफ्ते में 40 घंटे काम करती है, ठीक है, एंड टारगेट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टारगेट इज 600 डजन्स पर वीक, अंडरलाइन करो डजन्स, क्या होता है डजन्स मतलब केले कैसे बिकते हैं 40 रुपए दर्जन, बोलता है ना 40 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन, क्या मतलब दर्जन का 12 यूनिट, तो लिख लो इसके आगे डजन मींस 12 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग
फॉर ईच ऑपरेशन, यानी हमें ऑपरेशन वाइज बनाना है 1 2 3 4 5 शोइंग फॉर ईच ऑपरेशन एंड इन टोटल ओके द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, यानी पहली बात तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए ग्रेड ए वाले, कितने वर्कर्स चाहिए ग्रेड बी वाले, कितने वर्कर्स चाहिए ग्रेड सी वाले, कितने वर्कर्स चाहिए ग्रेड डी वाले और कितने वर्कर्स चाहिए ग्रेड ई वाले ओके. दूसरा ये पूछता निकालो लेबर कॉस्ट पर डजन, ठीक है. तीसरा ये बोलता निकालो टोटल लेबर कॉस्ट पर वीक टू प्रोड्यूस द टोटल टारगेट अमाउंट. तो बनाता हूं स्टेटमेंट, तो लिखा मैंने स्टेटमेंट शोइंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. ऑपरेशंस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. अच्छा टाइम कितना लगेगा, वो जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें लगेंगे 15 मिनट, शॉर्ट में एम लिखा, 25 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट और 20 मिनट. क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, 6000 दर्जन बनाने के लिए है ना, टारगेट मेरा कितना 6000 दर्जन. तो यहां निकालता हूं, पहले मैं ध्यान दूसरा यहां पे निकाल रहा हूं मैं टोटल टाइम फॉर 600 डजन, यानी 600 दर्जन यूनिट्स बनाने के लिए ऑपरेशन वन में कुल कितना टाइम लगेगा. तो ध्यान दो 600 एक दर्जन में होते हैं 12, ठीक है ना, 600 गुना 12 है ना, 600 गुना 12 गुना 15 सिंपल भाई, 600 गुना 12 गुना 15, फिर अगले में 600 गुना 12 गुना 25 ठीक है ना, फिर अगले में 600 गुना 10, 600 गुना 12 गुना 10 करना था, यही होता है भाई दिमाग जो होता है ना वो तेज चलता है इन कंपैरिजन टू हैंड. तो 600 गुना 12 गुना 30 मिनट, 600 गुना 12 गुना 20 मिनट. अब जरा ध्यान देना, मैं ये टाइम निकालना चाहता हूं आवर्स के अंदर घंटों में, तो क्या करूंगा, मैं ये टाइम निकालना चाहता हूं आवर्स में, तो डिवाइड बाई 60 क्योंकि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो कर लीजिए सॉल्व, यहां लगेंगे 1800 घंटे, तीन हजार घंटे. बारह सौ घंटे, छत्तीस सौ घंटे, और 2400 घंटे. अच्छा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम होता है, एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम होता है. तो मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे अगर एक हफ्ते में 1800 घंटे काम करवाना है और एक हफ्ते में एक एम्प्लॉय सिर्फ 40 घंटे काम कर सकता है, तो कितने एम्प्लॉय चाहिए निकाल मना पॉसिबल है. तो यहां पर लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्यों बोल रहा हूं मैं, एम्प्लॉय भी तो बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, बात एक ही है, बट क्वेश्चन है वर्ड यूज करा ऑपरेटर, तो मैं भी यूज कर रहा हूं ऑपरेटर, मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय बोल सकता था. तो सिंपल क्या होगा, 1800 बटा 40, टोटल कितने 1800 घंटे, एक घंटे काम करते 40 घंटे, तो 1800 बटा 40, तो कितने आ गए ऑपरेटर 45, 3000 बटा 40 कितने आ गए 75, 1200 बटा 40 कितने आ गए 30, 3600 बटे 40 कितने आ गए 90 और 2400 बटे 40 आ गए 60. इसका मतलब है अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो इसको मैं अगर ए कहूं तो इसका है ए बटा 40, ठीक है ना. तो ये मुझे क्या पता पड़ गया, ग्रेड ए वाले 45 एम्प्लॉय चाहिए हायरिंग करो, ग्रेड बी वाले 75 एम्प्लॉय चाहिए, ग्रेड सी वाले 30 एम्प्लॉय चाहिए, ग्रेड डी वाले 90 एम्प्लॉय चाहिए और ग्रेड ई वाले मेरे को चाहिए 60 एम्प्लॉय. बात आ रही है समझ में. अच्छा इसके बाद क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर वेज रेट दे रखा है, वेज रेट हाँ दे रखा है भाई, ग्रेड ए बी सी डी ई सबका दे रखा है. अच्छा
तो क्या मैं टोटल वेजेस निकाल सकता हूं? टोटल वेजेस, टोटल वेजेस क्वेश्चन में गिवन है मुझे पर आर रेट, क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? पर आर रेट। तो और ये है मेरे पास आर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? ए मल्टीप्लाइड बाई रेट, भाई 1800 घंटे गुना 65 पैसे पर आर, तो यहां पे करने हैं 1170 रुपए, 3000 घंटे, रेट है मेरा 50 पैसे, तो यहां पे करने हैं 1500 रुपए। आ रहा मजा पढ़ने के अंदर? मजा आएगा पढ़ने के अंदर, बिल्कुल दिल लगाओगे तो। यहां पे लगेंगे 480 रुपए, 35 पैसे है, यहां पे आएगा 1260, 30 पैसे, 720, टोटल कर दूंगे इनका। पांच हजार एक सौ तीस। तो जो मेरी वेरियस है वही मेरी क्या है? कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है लेबर कॉस्ट पर वीक और लेबर कॉस्ट पर डजन। तो ये वेरियस तो मेरी क्या है? लेबर कॉस्ट पर वीक, ठीक है ना। और मुझे पूछा गया लेबर कॉस्ट पर डजन, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर डजन। कैसे आएगी? देखो इसको मैं अगर कह दूं बी, इसे कह दूं अगर बी, तो ये क्या होगा? बी बटा एक दर्जन निकालना है मुझे पर दर्जन, बी बटा 600, क्योंकि ये खर्चा किसका है? 600 दर्जन का है, तो बी बटा 600, तो 1170 बटा 600 कितना आ गया? 1 रुपए 95 पैसे। फिर उसके बाद 1500 बटा 600, तो 2 रुपए 50 पैसे, 480 बटा 600, तो ये आ गया आपका 80 पैसे, 1260 बटा 600, तो ये आ गया आपका 2 रुपए 10 पैसे, फिर उसके बाद है 720 बटा 600, तो ये आ गया आपका 1.20, और टोटलिटी में निकाल लेता हूँ बटा 600, तो ये आ गया आपका 8 रुपए 55 पैसे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यहां पर कंप्लीट। इस क्वेश्चन में नयापन क्या था? इस क्वेश्चन में सिर्फ यही नयापन था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ऑपरेटर्स खुद से निकालने थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज खुद से निकालने थे, प्लस एक प्रोडक्ट को बनने के लिए 5 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ये इस क्वेश्चन में नया पॉइंट था। तो इस क्वेश्चन को कैटेगरी बी में डालेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 26 को कैटेगरी बी में डालेंगे। तो चलिए ब्रेक का टाइम हो चला है, तो ब्रेक ले लेते हैं और बाकी क्वेश्चन करते हैं ब्रेक के बाद, है ना। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बाकी करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कैटेगरी बी में डालूंगा। इसमें एक सिंगल पॉइंट है, बस वही मेन है, बता दूंगा मैं आपको अभी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जिज्ञासा बुटीक LLP टेक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब वर्क बेसिस, यानी ये काम करते हैं ऑर्डर बेस पर, मतलब ऑर्डर आया तो बनाएंगे, इनका रेगुलर प्रोडक्शन वाला केस नहीं है, ऑर्डर आया तो बनाएंगे। इट वर्क्स फॉर वेरियस फैशन हाउसेस एंड रिटेल स्टोर्स, ठीक है। इट हैज इंप्लॉयड 26 वर्कर्स एंड पेज देम ऑन टाइम रेट बेसिस, इनके यहाँ पे 26 इंप्लॉय है और उनकी पेमेंट की जाती है टाइम बेस्ड मेथड के हिसाब से। ऑन एन एवरेज एन इंप्लॉय इज अलाउड 2 hours फॉर बुटीक वर्क ऑन ए पीस ऑफ गारमेंट, एक यूनिट को बनने में 2 घंटे लगने चाहिए। बेसिकली क्या है मेरा स्टैंडर्ड टाइम, यह है मेरा स्टैंडर्ड टाइम और कितना है 2 hours पर यूनिट। इन द मंथ ऑफ मार्च 2 workers मैरग्रेट एंड जेनिफर, ये कोई बाहर के वर्कर हैं, हम तो राम और घनश्याम बोलते हैं, वर गिवन 30 pieces एंड 42 pieces ऑफ गारमेंट रेस्पेक्टिवली फॉर बुटीक वर्क। इन्हें क्या काम दिया गया, 30 तो दिए गए मान लो मिस्टर एम को और 42 दिए गए जे को, ठीक है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ देयर वर्क, वर्क असाइंड है 30 piece 42 piece एंड टाइम टेकन है 28 hours एंड 40 hours। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, जरा ध्यान दे रहा, मैं इसको मिटा देता हूं, मेरे पास 2 worker हैं, एक है पहला वाला एम बोला इसको मैंने, दूसरा वाला जेनिफर है, पहला कौन सा था मैग्रेट, दूसरा जेनिफर। अच्छा मुझे क्वेश्चन में गिवन है वर्क असाइंड, ध्यान देना जरा वर्क असाइंड, तो क्या मैं स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल सकता हूं। भाई एक को बनने में 2 घंटे लगने चाहिए, 30 को बनने में 30 गुना 2 यानी 60 घंटे और 42 को बनने में 42 गुना 2 यानी 84 hours, ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड टाइम। क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल टाइम गिवन है, यस गिवन है, 28 hours लगाए एम ने और 40 hours लगाए जी ने, करेक्ट। अच्छा मैं टाइम सेव्ड निकाल सकता हूं क्या, भाई 60 माइनस 28 कितना होगा 32 hours, 84 माइनस 40 हो जाएगा 44 hours, ये क्या मेरा टाइम सेव्ड। ओके आगे बढ़ते हैं। वर्कर्स आर पेड बोनस एज पर होलसेल सिस्टम, इनको अभी पेमेंट कैसे हो रही है एज पर होलसेल सिस्टम, ठीक है जी। द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेस इज ₹50 per hour, ध्यान देना सिस्टम कौन सा है होलसेल। अच्छा यहां पे लिखा एग्जिस्टिंग, तो करंट या लिखो प्रेजेंट, यहां पे लिख रहा हूं होलसेल, यार इसको कैसे लिखें, रुको इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं वेज रेट, वेज रेट। तो देखो जो प्रेजेंट वेज रेट है मेरा, जो करंट मेरा एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो क्या है ₹50 per hour, यही है ना ₹50 per hour। अच्छा एज पर द न्यू वेजेस एग्रीमेंट द वर्कर्स विल बी पेड ₹55 per hour विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ध्यान देना क्वेश्चन को पढ़ो। ये जो इन्होंने काम किया है ना मिस्टर एम ने और मिस्टर जे ने, ये काम मार्च महीने का है, ऊपर पढ़ा था हमने, लिखा हुआ था ना ऊपर, इन द मंथ ऑफ मार्च 2 workers मैग्रेट एंड जेनिफर वर गिवन, समझ गए, तो ये काम मार्च का है। अच्छा और क्या बोला कि 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से ये लिखा मैंने फ्यूचर, 1 अप्रैल से रेट क्या हो जाएगी 55 per hour, ये कब से होगी, ये होगी 1 अप्रैल से। इसका मतलब क्या, जो काम अप्रैल में करेंगे, जो काम अप्रैल में करेंगे तो अप्रैल में जब काम करेंगे तो पेमेंट निकालेंगे ₹55 per hour की रेट पे, ठीक है ना। अच्छा मार्च का क्या रेट है ₹50 रेट है, ठीक है जी। आइए एट द एंड ऑफ मंथ मार्च द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज कैलकुलेटेड वेजेस ऑफ दीज 2 workers टेकिंग ₹55 per hour, बताओ भाई अकाउंटेंट से क्या गलती हो गई क्या, भाई मार्च वाला काम था तो वेज रेट मार्च वाले लगने चाहिए थे, उन बाबूजी ने गलती से अप्रैल वाले रेट लगा दिए, अप्रैल वाले रेट
लगा दिए। अच्छा, 50 रुपए घंटे के हिसाब से पे करना चाहिए था और उन्होंने 55 रुपए घंटे के हिसाब से पे कर दिया, यानी कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 5 रुपए। तो 5 रुपए क्या है पर आर, एक्स्ट्रा लॉस टू कंपनी, इट इज लॉस। अच्छा, अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर वन। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस, अंडरलाइन करो वर्ड अमाउंट ऑफ लॉस दैट द कंपनी हैड इनकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रेट ऑफ सिलेक्शन। तो ध्यान दीजिए, तो भाई लॉस पर आर कितना, लॉस पर आर कितना, तो भाई 50 रुपए रेट थी, इन्होंने 55 पे कर दिए, तो अगर मैं लॉस निकालूं तो लॉस कितना है, 5 रुपए का, यह है लॉस पर आर। तो ये रहा मिस्टर एम और ये रहा मिस्टर जी, ठीक बात है, ये रहा मिस्टर एम और ये रहा मिस्टर जी। अब मुझे निकालना है कि इन दोनों को एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया ड्यू टू इनकरेक्ट रेट। भाई 50 के हिसाब से पे करते तो कितनी पेमेंट बनती, 55 के हिसाब से पे कर दिया तो कितनी पेमेंट बन गई। तो ध्यान दो जरा, यहां पे लिखा है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 60 घंटे और इसका 84 घंटे। अच्छा, एक्चुअल टाइम कितना, तो एम ने लिया है 28 घंटे और जे ने लिए हैं आपके 40 घंटे। टाइम सेव्ड कितना, तो भाई इसने सेव करे 32 घंटे और इसने सेव करे 44 घंटे। ये इंफॉर्मेशन थी। अब मेरे पास ना एक्सेस पेमेंट को निकालने के दो तरीके हैं। देखो, मैंने 5 रुपए पर आर ज्यादा पी किए हैं, स्कीम लगती है हॉल से, है ना, स्कीम कौन सी फुलफिल करते हैं अभी, कौन सी फॉलो करते हैं अभी, हॉल से, नॉट फुलफिल, फॉलो, हॉल से को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक्सेस पेमेंट कितना किया, इसको निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, ध्यान देना। पहला तरीका तो यह है मेरे पास कि मैं निकालूं टोटल वेजेस 55 रुपए के हिसाब से और फिर निकालूं टोटल वेजेस 50 रुपए के हिसाब से, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा मेरा, लॉस टू कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉय वापस थोड़ी देगा, एम्प्लॉय वापस थोड़ी देगा, ऐसा मान रहे हैं, अजम्पशन है कह सकते हैं भाई। तरीका, पहला तरीका क्या है कि पहले निकालू टोटल वेजेस अंडर हॉल से 55 रुपए रेट लगाकर, फिर निकालू 50 रुपए रेट लगाकर, और डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा, लॉस टू कंपनी। एक दूसरा तरीका भी है कि मैं निकालू टोटल वेजेस सिर्फ 5 रुपए लगाकर, क्यों, 5 रुपए तो मेरा लॉस है, तो अगर मैं डिफरेंशियल अमाउंट को 5 रुपए लगा के निकालू तो भी आंसर मेरा सेम आ जाएगा भाई, 55 माइनस 50 डिफरेंस कितना होगा, 5। तो मेरे पास दो तरीके हैं, मैं कर रहा हूं ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से। 2 से क्यों कर रहा हूं बताऊं, तो इसका रीजन है टाइम कम लगेगा, बस और कोई रीजन नहीं है। तो आइए निकालता हूं टोटल लॉस, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हॉलसे वाला ही, क्योंकि हॉलसे को फॉलो करते हैं। तो भाई देखो, कितने घंटे काम किया, 28 घंटे काम किया, क्या रेट है, 5 रुपए। कितने घंटे बचाए, 32 घंटे बचाए, क्या रेट है, 5 रुपए गुना 50%। तो यहां एक्स्ट्रा पे किए गए हैं 220 रुपए, हो गया सिंपल तरीका, वरना पहले निकालता 50 से फिर निकालता 55 से, आंसर मेरा सेम आता। अब अगले, अगला देखो, 40 घंटे काम किया, क्या रेट है, 5 रुपए। 44 घंटे बचाए, क्या रेट है, 5 रुपए गुना 50%। ₹310। तो मिस्टर ए में लॉस हुआ 220 का, मिस्टर बी में लॉस हुआ 310 का, ए मतलब मिस्टर एम, मिस्टर जे, ये फॉलो किया मैंने हॉल से को। आगे बात समझ में, रिक्वायरमेंट नंबर 2, बस यही क्वेश्चन मैंने, यहां पॉइंट था कि मैं डिफरेंस वेज रेट के हिसाब से लॉस निकालूंगा फटाफट। आइए, रिक्वायरमेंट नंबर 2, व्हाट वुड बी लॉस इनकर्ड बाय जेबीएल ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन इफ इट हैड फॉलोड रोवन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट। लो जी, कर लो बात, अगर हॉलसे की जगह रोवन को फॉलो करते तो क्या लॉस आता, तो क्या फर्क पड़ गया, रेशो बस चेंज हो जाएगा यहां पर, अब सब कुछ सेम है। तो अब मैं निकाल रहा हूं टोटल लॉस अंडर रोवन, 28 घंटे 5 रुपए
32 घंटे बचाए 5 रुपए, टाइम टेकन कितना 28, अलाउड कितना 60। तो ये आ गया मेरा 214 रुपए 67 पैसे। अब निकालता हूं सेकेंड एम्प्लॉय का, 40 घंटे गुना 5 बचाए 44 घंटे गुना 5 गुना टाइम टेकन कितना 40 और अलाउड कितना 84। ये आ गया मेरा 304.76। लो जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी सॉल्व कर ली मैंने। बताइए क्या इस क्वेश्चन में कुछ नया था? बस एक ही पॉइंट कि मैं डिफरेंस ऑफ रेट को लेकर ही निकालूंगा टोटल लॉस एज पर हॉलसे और एज पर रोवन। ऐसा क्यों किया मैंने? टाइम बचाने के लिए। रिक्वायरमेंट नंबर 3, अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ रोवन स्कीम ऑफ बोनस वर फॉलोड। लो जी रिक्वायरमेंट नंबर 3, तो क्या बोलूंगा यहां पर? यहां पर लिखता हूं सेविंग्स, जरा ध्यान देना सेविंग्स, यह रिक्वायरमेंट नंबर 3। अब जरा ध्यान दो, अगर रोवन को फॉलो करते तो कितना फायदा होता? तो ध्यान दीजिए, हॉल से पे करने पर कितना नुकसान हुआ 220 का, अगर रोवन को फॉलो करते कितना नुकसान होता 214 का। तो यहां पर कुछ फायदा हो जाता ना अपने को, यानी कि 220 माइनस 214.67 क्या हो जाता मेरा सेविंग। मतलब गलती में भी अच्छा ही ढूंढ रहे हैं हम, वाओ कितने पॉजिटिव आदमी है। अच्छा फिर यहां पर कितना पेमेंट हुआ, कितना लॉस हुआ 310 का, यहां कितना लॉस हुआ 304 का। तो इसने गलती करते वक्त अगर हॉल से की जगह रोवन को फॉलो कर लिया होता तो बेनिफिट हो जाता 310 माइनस 304.76। कैलकुलेशन कर लो, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर हो गया है जी कंप्लीट। ये आ रहा है 5 रुपए 33 पैसे और ये आ रहा है 5 रुपए 24 पैसे। लो जी क्वेश्चन नंबर 34 इज कंप्लीट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था सिर्फ डिफरेंस ऑफ रेट वाले पॉइंट के अलावा। चलो जी आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कैटेगरी सी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं बस आपको। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर है 5, यानी एक यूनिट को बनने में 5 घंटे लगने चाहिए, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट इन ए 40 आर वीक इज 220 यूनिट, ठीक है। वेज रेट है मेरा 10 रुपए पर आर, हमें निकालना है टोटल अर्निंग अंडर स्ट्रेट टाइम रेट मेथड। तो पहला मेथड कौन सा है मेरा? टाइम बेस्ड वेजेस। तो फॉर्मूला क्या होता है यहां पर? कितने घंटे काम किया गुना क्या रेट है। तो भाई कितने घंटे काम किया? 40 घंटे काम किया और क्या रेट है? 10 रुपए का रेट है, आ गया 400 रुपए। रिक्वायरमेंट नंबर 2 कहता है स्टेट पीस रेट, यानी पीस रेट बेस्ड वेजेस। यह फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गुना पीस रेट। तो यूनिट्स कितनी बनाई है? 220 क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा पीस रेट क्वेश्चन में गिवन है क्या? पीस रेट, तो पीस रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो निकालना पड़ेगा पीस रेट। आइए पीस रेट निकालता हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला? एक यूनिट को बनने में 5 घंटे लगने चाहिए। एक यूनिट को बनने में 5 घंटे बनने, एक यूनिट को बनने में आउटपुट पर आर, नहीं उल्टा पड़ गया मैं इसको, यह है स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर। तो एक घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर एक घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए, ओके। यानी कि 5 यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए और 1 घंटे की पेमेंट रेट है 10 रुपए। इसका मतलब क्या होगा? एक यूनिट को बनने में कितनी पेमेंट? तो 10/5 यानी कि 2 रुपए। तो 2 से गुना कर दो, ये आ गया 440। कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर 1 घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए। आइए अब इसके बाद निकालना है मुझे एज पर हॉल से।
और एज पर रोवन, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, मुझे चाहिए एक्चुअल टाइम और मुझे चाहिए वेज रेट। क्या क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल टाइम गिवन है? यस, 40 घंटे। लिख दूं क्या? लिख देता हूं एक्चुअल टाइम, ये गिवन है 40 घंटे। क्या क्वेश्चन में वेज रेट गिवन है? आंसर इज यस। कितना है? 10 रुपए पर आवर। अच्छा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, और अगर एक बार स्टैंडर्ड टाइम आ गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल सी बात है। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक घंटे में, यानी 5 यूनिट को बनने में 1 घंटा लगना चाहिए। क्वेश्चन में बोला गया 5 यूनिट को बनने में 1 घंटा लगना चाहिए, और क्वेश्चन में बनी है 220 यूनिट। तो बताओ जरा, 1 यूनिट को बनने में 1/5 और 220 को बनने में 1/5 × 220, यानी कि 44 घंटे लगने चाहिए, 44 आवर्स। तो लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर 3 और रिक्वायरमेंट नंबर 4 आराम से निकाल लेंगे हम। तो क्या निकाल रहा हूं मैं? टोटल वेजेस अंडर हॉल से। फॉर्मूला क्या है? कितने घंटे काम किया? 40 घंटे। क्या रेट है? 10। कितने घंटे बचाए? 44 − 40। क्या रेट है? 10। गुना कर दो 50%। तो ये आ गया मेरा 420। रिक्वायरमेंट नंबर 4, मुझे निकालना है टोटल वेजेस एज पर रोवन, एज पर रोवन। सिंपल है भाई, 40 घंटे काम किया, क्या रेट है? 10 रुपए। कितने घंटे बचाए? 4 घंटे। क्या रेट है? 10 रुपए। टाइम टेकन कितना? 40। अलाउड कितना? 44। तो ये आ गया मेरा 436.36 आ रहा है, 36 कर देता हूं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ भी खास बात नहीं थी, कैटेगरी सी क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको आप, कैटेगरी सी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन कैटेगरी सी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नया पॉइंट नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर। तो बेसिकली मुझे निकालना है लेबर कॉस्ट पर डे। क्या बोला इसने? लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर। उसने तो यहां पर यह बता दिया एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और निकालना लेबर कॉस्ट पर डे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर स्टेटमेंट शोइंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर डे। ध्यान देना, यहां पर मुझे लेबर कॉस्ट निकालनी है। इसका मतलब क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इंप्लॉयर का कॉस्ट में ऐड होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई इंप्लॉयर का कॉस्ट में ऐड होगा। आइए पढ़ते हैं भाई। बेसिक सैलरी है 20 पर डे, बेसिक सैलरी है 20 पर डे। तो 20 पर डे, ओके। सबसे पहले आखिरी में आ जाओ, इंफॉर्मेशन नंबर जी। क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। एक महीने में कितने वर्किंग डेज है? 25, ओके। और सैलरी है 20 रुपए पर डे। तो क्या करूंगा? 25 दिन × 20 रुपए, कितना आ गया? 500। अच्छा, इसके बाद है डीए। ध्यान दो जरा, डीए क्या बोलता है? ₹2.5, यानी 2.50 फॉर एवरी पॉइंट ओवर 100 पॉइंट्स। डियरनेस अलाउंस के अंदर अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो 100 पॉइंट से ऊपर है, तो 100 पॉइंट से जितना भी ऊपर है ₹2.50 फॉर एवरी पॉइंट। तो है कितना हुआ एक्चुअल के अंदर? तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 700 पॉइंट है। तो भाई 700 − 100, यानी 100 से कितना ऊपर है? 600 × 2.5, कितना आ गया ये? 600 × 2.5, ये आ गया 1500। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद गिवन है लीव सैलरी। आ जाओ भाई लीव सैलरी। तो बोला 10% ऑफ ए एंड बी। तो लो भाई 10% ऑफ 500 + 1500, कितना आ जाएगा? 200।
यह है मेरा ए, यह है मेरा बी और यह है मेरा सी। फिर बोलता है इंप्लॉयर्स, ध्यान देना इंफॉर्मेशन नंबर डी, ये किसका है, इंप्लॉयर्स, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, और कितना है 8% ऑफ ए बी एंड सी, यानी 8% ऑफ 500, 1500 और 200, तो 2200 का 8%, ये आ गया मेरा 176। डी के बाद आ जाओ पॉइंट नंबर ई, कहता है ईएसआई, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई, क्या बोला इसने, 2.5% ऑफ एबीसी, यानी 2.5% ऑफ 500 प्लस 1500 प्लस 200, यानी 2200 का 2.5%, ये आ गया मेरा ₹55। अच्छा इसके बाद है मेरा ई के बाद है मेरा एफ, एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज टू लेबर 200 पर हेड पर मंथ, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज क्या है, 200 पर हेड, तो ध्यान देना ये जो निकाला है ना मैंने ऊपर पूरा खर्चा, ये पर हेड ही है क्योंकि किसी एक एम्प्लॉय में निकल रहा है, ये पर हेड पर मंथ, ठीक है ना, ये पर हेड निकाल रहा हूं, तो कितना गिवन है मेरे को, ये गिवन है मेरे को ₹200, सबको ऐड कर लो, तो 500 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस 176 प्लस 55 प्लस 200, ये आ गया मेरा 2631। अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर डे, तो 2631 डिवाइड बाय 25 डेज, तो ये आ गया मेरा 105.24। लो जी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका यहां पे धराशायी। इस क्वेश्चन को कैटेगरी सी मैंने क्यों बोला आप समझ गए, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था, नोट कर लो आंसर को फटाफट से। चले जी आगे, चलो अगला क्वेश्चन जो अपने को करना है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन कैटेगरी सी क्वेश्चन। चलिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एसटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट बाय यूजिंग सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स मेथड। मुझे क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर रेट। ओके अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थे 8000 एंड नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर थे 9600, तो क्या मैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकता हूं। तो भाई 8000 प्लस 9600 डिवाइड बाय 2, यही होता है वर्कर्स एट द बिगिनिंग प्लस वर्कर्स एट द एंड डिवाइड बाय 2, कितना आ गया ये आ गया 8800। फिर इसके बाद गिवन है मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो सेपरेशन, तो ध्यान देना लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है 500। ओके फिर कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज भी क्या होता है, ये भी सेपरेशन होता है, तो ये कितना है जी, ये है 100। ओके फिर गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, तो ये क्या गिवन है मेरे को, रिप्लेस्ड कितना है, रिप्लेस्ड 700। उसके बाद है नंबर एडिशनल वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर एक्सपेंशन, वर्ड अंडरलाइन करो एक्सपेंशन, तो ये बेसिकली क्या है मेरा, फ्रेश रिक्रूटमेंट, और ये कितना है 1500। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं एस, तो ये कितना आ गया सेपरेशन, 600 आ गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हमने, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा मैं निकालना हूं लेबर टर्नओवर रेट, पहला है आपका अंडर सेपरेशन मेथड, फॉर्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज वर्कर्स गुना 100, सेपरेशन कितना है 600, एवरेज कितना 8800 गुना 100, ये आ गया मेरा 6.8181 आ रहा है, तो 82 कर देता हूं, दिस इज माय लेबर टर्नओवर रेट अंडर सेपरेशन मेथड। अगला निकालो लेबर टर्नओवर रेट अंडर रिप्लेसमेंट मेथड, फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स गुना 100, रिप्लेसमेंट कितना है 700 है, एवरेज कितना 8800,
ये आ गया मेरा 7.9545, तो 9.6 कर दूं क्या? फिर निकालना लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लेक्स मेथड। इसमें दो मेथड होते हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट को कंसिडर करना है कि नहीं करना है, तो मैं करके निकाल देता हूं। तो क्या क्या होगा? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सेपरेशन कितना? सेपरेशन है 600, रिप्लेसमेंट है 700 और फ्रेश है आपका 150 बटा 100, सॉरी बटा 100 नहीं, गुना 8800 गुना 100। तो ये आ गया आपका 600 प्लस 700 प्लस 1500 डिवाइड बाई 8800, तो ये आ गया आपका 3.18, नहीं 31 पॉइंट, नॉट 3 पॉइंट, 600 700 1500। अच्छा अच्छा ये गलती हुई, 88,000 लिख दिया, 31.82% कर देता हूँ मैं। ये क्या था? जब फ्रेश रिक्रूटमेंट कंसीडर्ड। चलो एक और केस कर देता हूं यार, लेबर टर्नओवर रेट अंडर फ्लक्स मेथड व्हेन फ्रेश रिक्रूटमेंट इज नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड। फॉर्मूला क्या होता है? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सेपरेशन कितना? 600, रिप्लेसमेंट कितना? 700 डिवाइड बाई 8800 गुना 100, कितना आ गया ये? 14.78 कर देता हूं। लो जी क्वेश्चन नंबर 10, कैटेगरी सी क्यों था समझ गए होगे आप। ये सब क्या है? बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर कुछ भी नया आप नहीं सीख रहे हो, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कैटेगरी सी, इसलिए मैंने इसको बोला कैटेगरी सी, का मतलब है इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैटेगरी सी मतलब है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपने कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आपने कैटेगरी ए क्वेश्चंस किए हुए हैं, आपने कैटेगरी बी के मेन मेन पॉइंट्स के आंसर को वेरीफाई किया गया है, किया हुआ है, तो कैटेगरी सी वाले ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2 आवर्स अलाउड टू ए वर्कर टू प्रोड्यूस 5 यूनिट्स। ध्यान देना जरा, 5 यूनिट्स बनाने में 2 घंटे अलाउड है, तो 2 घंटे क्या है मेरा स्टैंडर्ड टाइम। आई बात समझ? वेजेस हैज बीन पेड एट द रेट ₹25 पर आवर, तो ये क्या है मेरा वेज रेट। तो लिख दूंगा यहां पर वेज रेट, वेज रेट कितना है? ₹25 पर आवर। ओके, इन 48 आवर्स वीक वर्कर प्रोड्यूस्ड 170 यूनिट्स। तो भाई एक्चुअल टाइम क्या मुझे क्वेश्चन में गिवन है? यस गिवन है 48 आवर्स वीक। क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है? यस। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम निकालते वक्त मैं क्या निकालूंगा? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी 170 यूनिट्स को बनने में कितना समय लगना चाहिए था। तो ध्यान दो, ध्यान दो जरा, 5 को बनाने में 2 घंटे, यानी 1 यूनिट बनाने में 2/5, और 170 यूनिट्स बनाने के अंदर 2/5 × 170, यानी 2 / 5 मल्टीप्लाइड बाई 170, तो 68 आवर्स लगने चाहिए थे। तो दिस इज माई स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है? निकालो, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर फॉलोइंग इंसेंटिव वेज हॉल से 50% एंड रोवन। तो कुल मिला के मुझे क्या निकालनी है? टोटल वेजेस, टोटल अर्निंग एंड अर्निंग रेट, टोटल अर्निंग एंड अर्निंग रेट। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ नया है? आंसर इज नो। चलिए निकाल लेता हूं मैं टोटल वेजेस, पहला लेता हूं हॉल से और फिर लूंगा रोवन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या हो सकेगा? कितने घंटे काम किया? 48 घंटे काम किया। क्या रेट है? ₹25। कितने घंटे बचाए? तो 68 - 48, क्या रेट है? ₹25 गुना 50%। फिर सेम यहां पर होगा, 48 घंटे काम करा, क्या रेट है? ₹25।
कितने घंटे बचाए, 20 घंटे, क्या रेट है, 25 रुपए, रेशो क्या होगा, टाइम टेकन बटा अलाउड, टेकन कितना 48, अलाउड कितना 68, कर लो सॉल्व। ये आ गया मेरा 1552.94, 94। ये आ गया मेरा 1450। तो दिस इज माई टोटल अर्निंग, समझ गया, दिस इज माई टोटल अर्निंग। यहां बात कर रहा हूं मैं अर्निंग के विवरण से, अर्निंग बोले तो इंप्लॉई। अब क्या निकालना है मुझे, अर्निंग रेट। तो फॉर्मूला क्या है यार, सिंपल फॉर्मूला है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम। आइए होलसेल की बात करें और फिर बात करेंगे रोमन की। तो भाई 1450 डिवाइड बाई कितने का आर्स, 48 आर्स। फिर यहां पर है 1552.94 डिवाइड बाई 48 आर। तो ये आ गया मेरा 30 रुपए 20.83 आ रहा, 21 कर देता हूं। ये आ गया मेरा 32.36 कर देता हूं, 35 ही रहने देता हूं। चलो लो जी, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका यहां पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीट। नोट कर लो आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये था क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन कैटेगरी सी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। हाँ एक पॉइंट है, बट तब भी कैटेगरी सी में रहेगा ये। आइए पढ़ते हैं कि एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया था पे नया पॉइंट होने के बाद भी सर बोले कैटेगरी सी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 90 आवर्स। क्या गिवन है मुझे, स्टैंडर्ड टाइम कितना 90 घंटे। द आवरली रेट ऑफ गारंटेड वेज इज 50, यानी मेरी वेज रेट क्या है, 50 रुपए पर आवर, दिस इज माई वेज रेट। ओके, बिकॉज ऑफ द सेविंग इन ए टाइम वर्कर ए गेट्स एन इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ ₹60 अंडर रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम। ध्यान देना जरा, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इफेक्टिव वेज रेट दिया हुआ है, इफेक्टिव वेज रेट। और एक सिस्टम कौन सा है, सिस्टम है रोवन, सिस्टम है रोवन। क्या होता है इफेक्टिव वेज रेट, ये होता है टोटल अर्निंग ऑफ इंप्लॉय या कह लीजिए टोटल वेजेस डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम टेकन या कह लीजिए एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक ही बात है। ये मुझे दिया हुआ है कितना, 60 रुपए, ये मुझे दिया हुआ 60 रुपए। ओके, तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाई टाइम टेकन। कहता है फॉर द सेम सेविंग इन टाइम कैलकुलेट द आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर बी विल गेट अंडर होलसेल प्रीमियम बोनस स्कीम एश्योरिंग 40% टू वर्कर। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट सिर्फ यही है कि होलसेल होने के बाद भी बोनस सिर्फ 40% है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर 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 इस वर्कर को, अगर सेम टाइमिंग पर वर्कर ए को हम पेमेंट करते, ये वर्कर सेम है, अगर इसी वर्कर को हम रोवन की जगह होलसेल में पे करते तो इसका इफेक्टिव आवरली रेट क्या होता। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें होलसेल और रोवन के लिए टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस कह लीजिए निकालने के लिए तीन इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे को, पहली स्टैंडर्ड टाइम, दूसरी एक्चुअल टाइम और तीसरी वेज रेट। तो मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम तो है, मेरे पास वेज रेट भी है, मेरे पास एक्चुअल टाइम नहीं है, तो आओ निकालते हैं। तो देखो ये मुझे 60 गिवन है। अच्छा टोटल अर्निंग क्या होती है एज पर रोवन, टोटल अर्निंग एज पर रोवन, तो ध्यान देना कितने घंटे काम किया, तो कितने घंटे काम किया टी मान लेता हूं इसको, यहां पे लिख दिया मैंने एज्यूम टाइम टेकन एज टी आर्स, ठीक है ना, मैंने क्या मान लिया उसको टी आर्स। तो टी गुना रेट कितना
90, रेट बना 50 है रेट, वेज रेट इज नॉट 90, इट इज 50, तो 50 डिवाइड बाय टाइम टेकन यानी कि टी प्लस सेकंड हाफ क्या है टाइम सेव्ड, तो सेव क्या होगा 90 माइनस टी, 90 माइनस टी गुना क्या वेज रेट है 50 गुना टाइम टेकन कितना टी, अलाउड कितना 90 और डिवाइड बाय टी आएगा बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, तो इस टी से ये टी कट गया और इस टी से ये टी कट गया, कुल मिला क्या बचा 60 इक्वल टू 50 प्लस ये आ गया 50 बटा 90, तो 90 ध्यान देना जरा 50 बटा 90 ये है मेरा 90 माइनस टी गुना 50 डिवाइड बाय 90। आइए सॉल्व करता हूं मैं इसको मैथमेटिकली, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस टी बराबर हो जाएगा 60 में से हो जाएगा 50 का माइनस, 90 चले जाएगा ऊपर और 50 आ जाएगा नीचे, यानी 10 गुना 90 बटा 50 यानी ये आ जाएगा मेरा 18, तो 90 माइनस टी आ गया मेरा 18, तो टी बराबर हो गया 90 माइनस 18, तो मेरा टाइम टेकन है इस केस में 72 आवर्स। बस एक तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। अच्छा अब इसमें करना क्या है, अब मुझे निकालना है इस बार हॉल से, अब तो वेरी वेरी सिंपल हो गया, यहां तक नोट कर लो पहले, यहां तक नोट कर लो पहले, चले आगे। चलो भाई अब निकालते हैं टोटल अर्निंग अंडर हॉल से, अगर इसी वर्कर को हॉल से में मिलती पेमेंट तो क्या करते, ध्यान देना कितने घंटे काम किया 72 घंटे काम किया, क्या रेट है 50 रुपए का रेट है, कितने घंटे बचाए तो 90 माइनस 18 करूंगा, 90 माइनस 72 करूंगा, 90 घंटे स्टैंडर्ड टाइम 72 घंटे लगे, 90 माइनस 72 रेट कितना है मेरा 50%। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चन में खास है सिर्फ ये 40%, यानी हॉल से होने के बाद भी 40% लगाया है, इसीलिए मैंने बोला कैटेगरी सी में है ये, ऐसा कुछ नया पॉइंट भी नहीं कि एग्जाम में कर नहीं पाओगे आप, तो ये आ गया मेरा 3960। अब निकालना है मुझे अर्निंग रेट अंडर हॉल से, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल आवर्स वर्कड, तो ये आ गया मेरा 55 रुपए पर आवर। लो जी क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया यहां पे धराशायी, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास पॉइंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, चलिए ए स्किल्ड वर्कर इज पेड गारंटेड वेज रेट ऑफ रुपीज 120 पर आवर, वेज रेट क्या है 120 पर आवर, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 6 आवर्स, तो मेरे पास क्या है स्टैंडर्ड टाइम 6 घंटे, He took 5 hours to complete the job. Actual time कितना है 5 hours. Time कितना बचाया 1 घंटे. He is paid wages under Rowan scheme. He is paid wages under Rowan scheme. मुझे क्या निकालना है requirement number 1. मुझे निकालनी है calculate his effective hourly rate of earning under Rowan. तो पहले मुझे क्या निकालनी है उसकी total earning निकालनी है. Total earning under Rowan. फॉर्मूला क्या है कितने घंटे काम किया 5 घंटे काम किया, क्या रेट है 120, कितने घंटे बचाए 1 घंटा बचाया, क्या रेट है 120 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 5 अलाउड 6, ये आ गया मेरा 700 रुपए,
अब मुझे क्या निकालना है, अर्निंग रेट अंडर रो वन। फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्क यानी 5 घंटे, यानी एक्चुअल टाइम टेकन, तो ये आ गया मेरा 140। लो जी रिक्वायरमेंट नंबर वन तो मेरी फुलफिल हो गई। रिक्वायरमेंट नंबर टू कहता है इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हॉल से इंसेंटिव स्कीम 50%, अगर इस वर्कर को हम हॉल से स्कीम के तहत पेमेंट करें एंड ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ अर्निंग, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। ध्यान देना जरा, यानी ये क्या बोल रहा है, इफेक्टिव रेट तो क्या हो चाहता क्या है वो, इफेक्टिव रेट चाहता है वो 140 के। ओके, इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम टेकन, या फिर कह लीजिए एक्चुअल आवर्स वर्कड। बात एक ही है। अच्छा, अर्निंग चाहता है वो अब एज पर हॉल से विद 50% बोनस, ठीक है। कहता है कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, मतलब स्टैंडर्ड टाइम तो अभी भी 6 घंटे ही रहेगा, आप तो ये निकालो कि कितने टाइम में वो इस जॉब को कंप्लीट कर ले, कितने टाइम में वो इस जॉब को कंप्लीट कर ले, कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम टेकन, समझ गया, कि कितने टाइम में इस जॉब को वो कंप्लीट कर ले, ये निकालना है मुझे। तो आइए इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं एज टी आर्स, एज्यूम्ड एज टी आर्स, ठीक है। तो भाई 140 इक्वल टू अर्निंग क्या होती है, कितने घंटे काम किया यानी टी गुना, वेज रेट क्या है 120, ये नहीं मेरी वेज रेट 120, 120 है मेरी वेज रेट, प्लस टाइम सेव्ड कितना तो 6 माइनस टी गुना रेट कितनी है 120 गुना 50% डिवाइड बाय टी, डिवाइड बाय टी, ये टी कहां से आ गया, ये टी यहां से आ गया एक्चुअल टाइम टेकन, तो टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 120 प्लस यह 120 का 50% यानी 60, 60 गुना 6 हो गया 360 और 60 गुना टी हो गया 60 टी, तो डिवाइड बाय टी, डिवाइड बाय टी, टी से 50 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 140 माइनस 120 प्लस 60 इक्वल टू 360 बटा टी, तो 140 माइनस 120 हो गया आपका 20 प्लस 60, ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 80, तो 80 बराबर 360 बटा टी, तो टी बराबर हो गया 360 बटा 80, तो ये आ गया 4.5 घंटे। तो लो जी इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्कर को सेम इफेक्टिव रेट मेंटेन करनी है 140 रुपीज की, तो उसे काम 4.5 घंटे में कर लेना चाहिए और हॉल से स्कीम के तहत उसको 140 का इफेक्टिव रेट पड़ जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका यहां पर हो गया है जी कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पहले ये नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नोट कर लीजिए, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 33। द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी वॉन्ट्स टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी। पीस वेज रेट है 10 रुपए, यानी 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी। इसके बाद है वीकली वर्किंग आवर्स है 40 घंटे, ठीक है जी। आपका आवरली वेज रेट है गारंटेड 40 रुपए, ये क्या है बेसिकली मेरी वेज रेट, ठीक है जी। फिर गिवन है एक्चुअल आउटपुट फॉर ए वीक, अंडरलाइन करो वर्ड एक्चुअल आउटपुट, वर्कर ए का और वर्कर बी का, वर्कर ए ने बनाए 176 और वर्कर बी ने बनाए 140 यूनिट्स। अच्छा उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड ऑब्लिक नॉर्मल टाइम टेकन पर यूनिट, पर यूनिट 15 मिनट्स, यानी एक यूनिट को बनने में 15 मिनट लगने चाहिए,
दिस इज माई स्टैंडर्ड टाइम ओके। अंडर हॉलसे स्कीम वर्कर गेट ए बोनस इक्वल टू 50% ऑफ वेरियस ऑफ टाइम सेव्ड। हम जानते हैं कैलकुलेट दी अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर हॉलसे एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। लो जी वर्कर की क्या निकालनी है हमें, अर्निंग निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैटेगरी सी में रखेंगे। दो वर्कर है जी मेरे पास, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम। तो ध्यान देना, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी 176 इसने बनाई है और 140 इसने बनाई है। और टाइम कितना लगना चाहिए, 15 मिनट, और इसको भी 15 मिनट, सेम ही टाइम दोनों का, अलग अलग तो नहीं है। हाँ मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा मुझे, तो 176 ये आ गया मेरा 44 आवर्स, और ये आ गया मेरा 35 आवर्स। दिस इज माय स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा एक्चुअल टाइम क्या मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस लिखा वीकली वर्किंग आवर 40 घंटे, 40 घंटे ये और 40 घंटे इसने लगाए। अब बात करता हूं टाइम सेव्ड, भाई इसने तो बचाए हैं 4 घंटे, इसने क्या बचाया, इसने कुछ भी नहीं बचाया, तो बल्कि ज्यादा लगा दिया। टाइम सेव में कभी फिगर नेगेटिव नहीं आएगी। अच्छा अब मुझे निकालना है इनका टोटल वेजेस। तो लो भाई टोटल वेजेस, अच्छा हॉलसे में भी निकालना है और रोवन में भी निकालना है। तो आइए पहले निकालता हूं हॉलसे में और फिर निकालूंगा रोवन में। तो हॉलसे की बात करते हैं, देखो 40 घंटे काम किया, क्या रेट है, रेट है 40 रुपए, करेक्ट है ना, हाँ 40 रुपए रेट है। अच्छा कितने घंटे बचाए, 4 घंटे बचाए, क्या रेट है 40 रुपए गुना 50%, तो ये आ गया मेरा 1680। इसके बाद अब बात करते हैं बी की, कितने घंटे काम किया, 40 घंटे काम किया, क्या रेट है, रेट तो सेम ही है 40 रुपए, क्या बचाया, कुछ नहीं बचाया, बोनस तो है नहीं, कितना मिलेगा इसको 1600 मिलेगा। ये था आपका एज पर हॉल से। अब निकालते हैं एज पर रोवन, 40 घंटे लगे, 40 रुपए रेट है, 4 घंटे बचाए, 40 रुपए रेट है, टाइम टेकन कितना 40, अलाउड कितना 44। भाई 4 गुना 40 डिवाइड बाई 44 ये आ गया मेरा 1745.45। अच्छा यहां पर 40 घंटे काम किया, 40 ही रेट है, सेव कितना किया 0, तो बोनस तो है ही नहीं, तो ये आ गया 1600। लो जी क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका यहां पर हो गया कंप्लीट। कैटेगरी सी क्वेश्चन है ये, दिस इज कैटेगरी सी क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन को कैटेगरी ए बी सी में तोड़ना है आपको अपने हिसाब से। कैटेगरी ए मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल, कैटेगरी बी मतलब कुछ पॉइंट्स बहुत मुश्किल आपके लिए, और कैटेगरी सी मतलब बहुत आसान। और आपको चैप्टर के आखिरी में लिखना भी है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कैटेगरी ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है। जब भी आप रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कैटेगरी ए में कौन से क्वेश्चन आते हैं, बी में कौन से और सी में कौन से। धीरे धीरे कैटेगरी ए वाले क्वेश्चन बी में आ जाएंगे, बी वाले सी में आ जाएंगे, एग्जाम टाइम पे रिविजन करते वक्त बर्डन कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका यहां पर हो गया है कंप्लीट, और वक्त भी लगभग हो चला है, तो आज की क्लास को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू।